Started. Okay. सर आज एक अनदर इम्पोर्टेंट थ्योरिटिकल टॉपिक भी बोल सकते हो, कॉन्सेप्चुअल जो बोलना है बोलो. आज आज का टॉपिक भी बड़ा इम्पोर्टेंट है. जैसे लास्ट क्लास हम लोग क्या पढ़े थे, बिजनेस पॉलिसी, याद है ना सर, कि अकाउंट्स में जैसे उससे पहले हम लोग प्रिंसिपल कॉन्वेंशन ये सब पढ़ चुके हैं. आज पढ़ेंगे सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में. ठीक है, ऐसा तो ये हम लोग बेसिक के क्लास में पढ़ रहे हैं, फाउंडेशन लेवल के लिए या फिर थ्योरेटिकल पर्पस के लिए. लेकिन यही चीज जब आप लोग स्पेशली जो लोग सीए इंटरमीडिएट या सीए फाइनल की तरफ जा रहे हो या फिर जब सीएमए इंटर या सीएमए फाइनल की तरफ जाओगे, तो यही टॉपिक आप लोगों का मैंने मेन टॉपिक बन जाएगा. जो आज का क्लास है ये एक्चुअली चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए आगे जाके मेन टॉपिक बन जाएगा. मैंने एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, ऐसा ऐसा हालत होगा सर. तो इतना इम्पोर्टेंट चीज है, अच्छे से पढ़ो जानो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में, क्योंकि तो ये स्टैंडर्ड ही है जो अकाउंट्स को अकाउंट्स बनाता है. मैंने आज जो अकाउंटेंट का जो इतना रोल प्ले है ना चारों तरफ सोसाइटी में, कि भाई अकाउंट सही होना चाहिए, अकाउंट सही होना चाहिए, उसका अगर कोई मेन फोकस होता है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर होता है. मैंने इतना सिंपल समझ लो कि अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ना होता तो शायद अकाउंट्स पे इतना फेथ ना होता. अकाउंटिंग एक्चुअली फेथ क्रिएट करता है. किसके मन में सर? पब्लिक के मन में, इन्वेस्टर्स के माइंड पे. तो ये फेथ क्रिएट करता है, विश्वास क्रिएट करता है कि हाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स गवर्नमेंट ने बोला है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने बोला है, हम इस पर भरोसा करेंगे. तो एक्चुअली यहाँ पर दो तरह के स्टैंडर्ड्स के बारे में बात होगा, एक ओनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और अनदर इज IND-AS, दैट इज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. सर अब आप बोलोगे सर इसमें फर्क क्या है? सर हम लोग तो इतना दिन जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो उस टाइम भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही हुआ करता था, और इंटरनेशनल मैटर में IFRS फॉलो होता था, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स. लेकिन इंडिया ग्लोबली अपने आप को बड़ा एस्टेब्लिश कर रहा है, डे बाई डे दुनिया के हर कंट्री के साथ हम लोग बिजनेस एस्टेब्लिश कर चुके हैं. तो जहां जहां इंडिया का बिजनेस एस्टेब्लिश होगा वहां वहां अकाउंटिंग का भी जरूरत होगा. जैसे मानो इंडिया के साथ अफ्रीका के किसी नेशन का बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो हम लोग अपने हिसाब से अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, वहां पर वो लोग अपने हिसाब से अकाउंट मेंटेन करेगा. लेकिन सर मेंटेनेंस का सिस्टम अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा तब तो मैचिंग करना मुश्किल हो जाएगा ना, अकाउंटिंग समझना मुश्किल हो जाएगा ना. कोई बोलेगा मैं दाएं समझता, वो बोलेगा नहीं मैं बाएं समझता. तो ये दाएं बाएं का खेल को एक स्टैंडर्डाइज करना होता है. तो इसके चलते IND-AS को डेवलप किया गया ताकि हम लोग इंटरनेशनल मैटर में अकाउंट्स को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में समझ पाए. अब आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये IND-AS या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है क्या और उसके बारे में क्या जानना जरूरी है. चलो पॉइंट पे बात करते हैं. स्क्रीन मैंने शेयर कर दिया, एक बार ना आप लोग कंफर्म करोगे ना, हो गया ना? हाँ सर, ओके सर, थैंक यू सर. अच्छा तो जैसे कि मैं आपको बोला दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और एक हो गया आपका ओनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. अब दोनों के बीच का फर्क भी आपको समझाऊंगा. एक्चुअली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अभी भी छोटा मोटा बिजनेस बड़ा बिजनेस भी एप्लीकेबल करते हैं, IND-AS ना मैंने फेस बाई फेस गवर्नमेंट एप्लीकेबल कर रहे हैं, क्योंकि ये जस्ट 2016-17 ऑनवर्ड्स IND-AS आया है, तो उसके बाद से धीरे 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 इसको फेस बाय फेस गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर रहे हैं. क्योंकि ये ना रूल है जो गवर्नमेंट बनाते हैं और बोलते हैं कि भाई आप फॉलो करो. अब आप लोग को शायद पूरा बात समझ में आ नहीं रहा है, लेकिन देखो देखो पूरा क्लास आज का सुनोगे तो उसके बाद जब घर जाओगे इतना समझ में आ जाएगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आगे जाके कितना काम का चीज बनेगा. ठीक है, अभी जैसे आप बोल रहे कोई चैप्टर होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, लेकिन ये चैप्टर आगे जिंदगी बनेगा ये शायद अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये समझ आ जाएगा धीरे धीरे. ठीक है, तो चलो सर पॉइंट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं. तो मैंने भी ना एक शॉर्ट नोट रेडी किया ताकि आप लोगों को मैं फटाफट समझा सकूं. कहाँ चला गया भाई? इधर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उसका ऑब्जेक्टिव, लिस्ट ऑफ ऑल IND-AS. ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का भी लिस्ट है और IND-AS का भी लिस्ट है. अच्छा ये लिस्ट तो अभी आप लोग बेसिक लेवल में हम लोग नाम को जानेंगे और इंटरमीडिएट फाइनल लेवल में काम को जानेंगे. ठीक है, अभी नाम से खुश हो जाओ
और इंटर फाइनल में काम से खुश तो तब होंगे नहीं सर, तब दुख हो जाएंगे कि सर इतना स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट पागल है क्या। हाँ, तब इंस्टीट्यूट के उल्टा सीधा सुना दोगे, इतना स्टैंडर्ड्स को याद रख सकता है, माथा खराब करके रखता है, ऐसे ही करते स्टूडेंट नॉर्मली। लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है, करना पड़ेगा, सब हमारे अच्छे के लिए ही है सर। लेकिन क्या है ना, अच्छा बात किसको समझ आता है, आता है समझ? घर में माँ बाबा जब स्टैंडर्ड बनाते हैं, माँ बाबा स्टैंडर्ड नहीं बनाते घर का, नियम कानून नहीं बनाते कि भाई हम लोग ये स्टैंडर्ड सेट करेंगे। जैसे नॉर्मली कभी कभी ऐसे होते हैं घर पे, बोलते हैं कि रात को 8 बजे के बाद घर पे कोई खाना और नहीं खाएगा, 8 के अंदर खाना खा के सो जाना है, स्टैंडर्ड। अच्छा, 8 रात को 8 बजे खाना खा के सोने का बेनिफिट क्या है? शरीर अच्छा रहेगा, सिंपल बात है। लेकिन स्टैंडर्ड है, फॉलो कितना लोग करता है? फिर सबसे पहले तो घर का बच्चा लोग ही बोलेगा, आप पागल हो गए हो, कौन से जमाने में हो, हम लोग 12 बजे से पहले तो खाना नहीं खाएंगे। एक्सेप्ट अलग अलग सिचुएशंस, अलग अलग लोगों के लिए वो अलग बात है, बट एक स्टैंडर्ड बात कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड कुछ इसी तरह का है, जैसे फैमिली में भी स्टैंडर्ड होता है ना, जैसे किसी किसी के फैमिली में, जैसे मेरे घर पे बचपन में थोड़ा सा नियम था कि शाम को 7 बजे के बाद अगर कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो 7 बजे के बाद अगर बाहर रहेगा तो वो बहुत बड़ा गुनाह है, उसका प्रॉपर रीजन के बिना वो नहीं घूम सकता। आप लोग नहीं समझोगे शहर के बच्चे को, गांव में हम लोग के जमाने में बड़ा रूल, आजकल गांव में भी कुछ नहीं है, सब रूल्स रेगुलेशन खत्म हो गए, ठीक है, सब एकदम, इसलिए टेढ़ा मेढ़ा बच्चा हो रहा है आजकल। हम लोग के टाइम पे 7 बजे का उसके अंदर अगर घर नहीं घुसेंगे ना, हमारा साइकिल लेके खेलने गए हैं इधर उधर, कभी खेलने का भी क्या ना, कभी इस पाड़ा कभी उस पाड़ा घूमते थे, जहाँ खेला होता था घुस जाते थे। अब मानो अगर कभी ऐसा हुआ कि सामने वाला पाड़ा में खेला नहीं हो रहा है तो फिर दूर का पाड़ा में जाना पड़ता था, अब दूर के पाड़ा से आने में टाइम लगेगा, क्योंकि मैच तो टाइम पे खत्म होगा ना, जब तक सूरज ढलेगा नहीं तब तक तो मैच खत्म नहीं होगा, और बीच में निकलोगे तो फिर नेक्स्ट दिन से तुमको लेगा नहीं, तो हम लोग अभी उधर रिस्क माँ बाबा तो समझते नहीं है। अब दूर थोड़ा चले जाते थे, फिर इधर 7 बज रहा है, जितना 7 बज रहा है उतना साइकिल का स्पीड बढ़ रहा है, और अल्टीमेटली अगर 5 मिनट भी देरी, क्यों देरी? फिर अगर पापा घर पे तो बस गए काम से। तो जो भी हो, अब ये बेसिकली स्टैंडर्ड सेट करके क्या करना चाहता है, हर चीज को एकदम प्रॉपर बनाना चाहता है ताकि कोई गलती ना हो। ये तो मैं आपको एक घर का सिंपल सा बात किया, अब आगे देखो अकाउंट्स क्या सिखाता है। जैसे चलो सिंपल भला नोट्स फॉलो करें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसे एंगेज इन अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑन अ डेली बेसिस। अकाउंट्स में क्या होता है सर, बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन डेली बेसिस में फॉलो होता है, मैंने हजारों चीजें, दुकान बिजनेसमैन क्या करता है, कभी बाई करता है कभी सेल करता है ना, यही तो काम है, काम क्या है सर, जिंदगी में आए हो तो बेचा के ना कर लो सर, ये अकाउंट्स का गाना है, आप लोग अभी मूवी का गाने के साथ उसको मैच मत कर लो, ठीक है, जिंदगी में आए हो तो बेचा के ना कर लो, अरे थोड़ा थोड़ा बाई कर लो, थोड़ा सेल कर लो, कभी एसेट खरीद लो कभी एसेट बेच दो, बस इसके बाहर कुछ नहीं है, कभी लोन ले लो कभी लोन दे दो, और क्या है, यही है। अब इसी को थोड़ा सा देखते देखते ये अकाउंट थोड़ा क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है, बेसिकली यही है। तो बिजनेस एंगेज इन अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑन ए डेली बेसिस, दे कीप रिकॉर्ड्स ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन, ये सब हम लोग पहले भी बेसिक्स में किए हैं, इन देयर अकाउंट्स, हर चीज का अलग अलग अकाउंट्स बनाना, फिर हर चीज का रिकॉर्ड रखना, मोर ओवर बिजनेस मेंटेन अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ देयर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, है ना, बैलेंस शीट बनाते हैं, एसेट कितना है बिजनेस पे, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं ये सब बातें बेसिक्स में ही। हाँ सर, कि एक ट्रांजेक्शन के बाद हम लोग एसेट का हिसाब भी कर सकते हैं, लाइबिलिटी का हिसाब भी कर सकते हैं, है ना सर, विच हेल्प देम असेस द एफिशिएंसी ऑफ देयर ऑपरेशन, इससे ये पता लगता है कि बिजनेस कितना एफिशिएंटली रन हो रहा है ना, एफिशिएंसी पता चल जाता है कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक है, एफिशिएंसी है बिजनेस में, माने टाइम का काम टाइम पे करने को एफिशिएंसी बोलते हैं, जिसपे मेरा हालत बहुत खराब हो जाए, मैं बिल्कुल एफिशिएंट। जो भी हो सर, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस, इसीलिए मैम से मेरे को डांट भी पड़ता है, आई एम नॉट एफिशिएंट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस एंड ईच बिजनेस माइट यूज डिफरेंट अकाउंटिंग रूल्स टू मेंटेन इट्स बुक्स, समझे सर, डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस एंड ईच बिजनेस माइट यूज डिफरेंट अकाउंटिंग रूल्स टू मेंटेन इट्स बुक्स, हर तरह का अकाउंट्स का हर तरह का अलग अलग नियम होता है। जैसे मानो डिप्रिसिएशन मेंटेन करने का एक अलग स्टैंडर्ड होगा, बिजनेस में अगर कोई लीज
लेके बिजनेस कर रहा है तो उसका लीज अकाउंटिंग अलग होगा, कोई अगर दो बिजनेस मार्ज कर रहे हैं तो उसका एक अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा, कोई मानो कि माइनिंग इंडस्ट्री में है तो उसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग होगा। तो आपको मैं एक थोड़ा सा लिस्ट दिखाता हूँ, रुको आपका मन थोड़ा शांत कर देता, नहीं तो ना मन में चल रहा है पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। देखो ये देखो इंड एज 102 क्या बता रहे हैं, शेयर बेस्ड पेमेंट। अगर कहीं पर पेमेंट कर रहे हो बट शेयर के थ्रू से करो, पेमेंट डायरेक्टली नहीं हो रहा है, पैसे की जगह में शेयर पे हो रहा है कि भाई ठीक है तुमको मैं पैसा नहीं दे सकता, मेरे बिजनेस का शेयर ले लो। शेयर बेस्ड पेमेंट का कैलकुलेशन इंड एज 102 में होता है। 102 में बोला गया है कि शेयर बेस्ड पेमेंट कैसे करना चाहिए, उसका पूरा रूल रेगुलेशन सब बता के रखा है। जब आगे आगे आओगे सर एडवांस लेवल में तब ये सीखोगे, ठीक है। अच्छा इंड एज 105, इंड एज 106, जैसे ये देखो सर इंड एज 106 क्या बताते हैं, एक्सप्लोरेशन फॉर एन इवोल्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेस, माने माइंस के अंदर जो मिनरल्स वगैरह मिलते हैं ना सर, उसका रिसोर्स का इवेल्युएशन होता है इंड एज 106 में। या फिर और थोड़ा सा आप लोग इजी वाला देखते हैं, इंड एज 112, इंड एज ओनली 12 बताते हैं इनकम टैक्स के बारे में, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, जैसे आपके बिजनेस में कितना प्रॉपर्टी है, कितना प्लांट है, कितना इक्विपमेंट है, उसके बारे में इंड एज 16, समझ रहे हो सर। या फिर मानो कि आपके बिजनेस में आपने लोन लिया तो उसके पीछे कुछ कॉस्टिंग है, बोरोइंग कॉस्ट, लोन लेने को क्या बोलते हैं, बोरो करना, तो बोरो करने का कुछ कॉस्ट होगा, तो बोरोइंग कॉस्ट को क्या बोलेंगे, इंड एज 23, माने वहां पर उसको डिस्कस किया गया है कि बोरोइंग कॉस्ट का कैलकुलेशन किस स्टैंडर्ड्स में होना चाहिए। या फिर अगर गवर्नमेंट से आपको ग्रांट मिलता है, गवर्नमेंट से आपको ग्रांट मिलता है, ग्रांट माने समझते हो, गवर्नमेंट ग्रांट माने काइंड ऑफ, ठीक है, बंगाली में इसको बोलते हैं अनुदान, दान अलग होता है अनुदान अलग होता है, दान माने डोनेट करना और अनुदान माने डोनेशन नहीं है सर, आपको जो चीज मार्केट में बहुत महंगा दाम पे चल रहा होगा, गवर्नमेंट आपको बोल रहे हैं आप करो मैं आपको ग्रांट दूंगा, बिजनेस करेगा तो बाद में वही बिजनेस गवर्नमेंट को भी अलग से टैक्स वगैरह दे देगा, लेकिन गवर्नमेंट बेसिकली जब बिजनेस सेटअप करने में कोई स्पेशल हेल्प करते हैं ना उसे ग्रांट कहते हैं। जैसे ये जो स्कूल वगैरह बना है ये देखना, कुछ स्कूल होते हैं फुल्ली गवर्नमेंट और कुछ स्कूल होते हैं देखना लिखा रहता है गवर्नमेंट एडेड लिखा रहता है, सरकारी स्कूल है, कुछ स्कूल होते हैं फुल्ली गवर्नमेंट लिखा रहता है गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड और कुछ भी लिखा रहता है गवर्नमेंट एडेड। तो इसमें क्या डिफरेंसेस है कि जो फुल्ली गवर्नमेंट है उसका हर एक चीज का, माने अगर एक छोटा सा चीज भी खराब हो जाए ना तो उसका खर्चा भी सरकार देगा, लेकिन अगर फुल्ली गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट एडेड है, तो मेन खर्चा गवर्नमेंट देगा, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाने का, पेंशन लगाने का, लेकिन छोटा छोटा रेवेन्यू खर्चा स्कूल अपने इनकम से खर्चा करेगा। ऐसे बहुत सारे स्कूल सिस्टम सरकारी लेवल में चलता है। पॉइंट इज दैट कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो सरकार स्कूल बना के देता है या स्कूल को बनने के लिए बोलते हैं कि ठीक है आप स्कूल बनाओ मैं आपको ग्रांट देता हूँ, आप फैक्ट्री लगाओ मैं आपको ग्रांट देता हूँ, इसको ग्रांट बोलते हैं। तो अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस, गवर्नमेंट से कितना सहायता मिली, 2012 के आसपास, आई डोंट नो आप लोग देखे हो कि नहीं, एसी बस कोलकाता में अभी भी चलता है, बहुत दिन एसी बस में चढ़ा नहीं, चलता है ना सर, एयरपोर्ट से हावड़ा तक का, सियालदह तक का चलता है ना, उसमें अभी तो सब पुराना हो गया होगा, नया वाला तो है नहीं, हम लोग है नया वाला है, उसमें JNURM लिखा रहता है, देखे हो कभी JNNURM ऐसा लिखा रहता है, देना सर ध्यान देना, वो बस का ब्रांड का नाम नहीं है, JNNURM वो बस का ब्रांड नहीं है, वो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक ग्रांट का प्लानिंग चला है, वो जो एसी बस है इसका मार्केट प्राइस अभी तो शायद 60 लाख के आस 50 लाख के आसपास हो जाएगा, उस टाइम पे 2012-13 के आसपास के 40 लाख 45 लाख के आसपास का दाम था। तो जो लोकल यहाँ का बिजनेसमैन है जिस बस ऑपरेटर से, वो बोले कि भाई इतना 50 लाख का बस खरीदेंगे इतना औकात नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट बोला ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोला हम लोग पूछ देंगे, स्टेट गवर्नमेंट बोला हम लोग पूछ देंगे बाकी तुम्हारा। तो मोटा मोटी देखा जा रहा था कि नॉर्मल बस का जो दाम है, जैसे मानो 20 लाख अगर दाम हुआ या 25 लाख दाम होगा नॉर्मल बस का, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट
दोनों गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का. वो जो जेएनयू आ रहे वो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट का है. तो जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन क्या बोल, जवाहरलाल नेहरू नेशनल रिन्यूअल मिशन, ठीक है, बहुत ही न्यूज नहीं गया, भूल गया. तो उसी उसके तहत गवर्नमेंट ने ये फंड दिया था. सेंट्रल गवर्नमेंट से करीब 60-40% समथिंग ऐसा कुछ, एग्जैक्टली याद नहीं है सर, थोड़ा आप लोग गूगल कर सकते हो, मिल जाएगा आपको. और ये सिर्फ कोलकाता में नहीं, इंडिया के हर सिटी में गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया. तो अभी ये सब क्या होता है, गवर्नमेंट असिस्टेंस. हम लोगों को लगता है कि हम तो एसी बस में चढ़ेंगे, मजा लेंगे, लेकिन एक एसी बस रस्ते में चढ़ाने के लिए उसका मेंटेनेंस, और उसका भी मजा तो गजब ही हुआ है बाद में जब मैं बस ऑपरेटर से बात किया. एसी बस का जो जब भी कोई चीज टूट जाता है ना, तो फिर उसको लोकल बस में जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर रहते हैं वैसा चीज से उसको बना देता है. हम बोले क्या दादा क्या कर रहे हो, बस इतना सुंदर सा टूट जाए तो फिर उसी को रिप्लेस करो. बोले दादा होगा नहीं, इतना निकलता नहीं, इतना पैसा आता नहीं है. यहाँ से हावड़ा जाने का भाड़ा करता था सरकारी लेवल में 35 रुपीज एसी बस में, अभी शायद थोड़ा बड़ा होगा. अब 35 में यहाँ से एसी बस में हावड़ा जाओगे तो फिर बस वाले का क्या रहेगा. तो गवर्नमेंट कंट्रोलिंग बहुत रहता है, हो जाने से ना क्या होता है कि वो डिमांड सप्लाई गैप को प्रॉपरली मैच नहीं करा पाते, तो तब बस वाले भी खुल्ला खुल्ला बिजनेस नहीं कर पाते. अब इसमें एज ए कंज्यूमर ठीक है, अच्छा लगता है 35 टका में एसी में चढ़ गए. इवन गर्मी के टाइम पे तो कुछ लोग ऐसे ही चलो भाई 30 टका में एसी का हवा खा के आ जाते, यहाँ से उल्टा टंगा गया हवा खा के, उल्टा टंगा से फिर से वापस आ गया, गर्मी में मर रहे हैं, अच्छा ठंडा गया. लेकिन वो अलग बात है, मौज मस्ती इज अ डिफरेंट थिंग, रियलिटी एक अलग बात है. इसमें गवर्नमेंट का कितना सारा खर्चा जाता है, अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया तो फिर क्या मतलब इसका, समझ रहे हो सर बात का. प्रॉफिटेबल तो करना पड़ेगा, नहीं तो सर्वाइव कैसे होगा. 2 साल लोग एसी चलेगा, फिर 2 दिन बाद सब फटा हुआ बस रस्ते में चुपचाप पड़ा रहेगा, क्या फायदा. सिर्फ लोगों को बताने के लिए मेरे शहर में एसी बस चल रहा है, लेक टाउन में एसी बस स्टैंड बना के. सुजीत दा लेक टाउन का ही मिले, वो तो लेक टाउन वाले एसी के लिए ठीक है रे शुभंकर काजकर है. एग्जैक्टली मैं यही बात करने का कोशिश कर रहा था. मैं तो सिर्फ लेक टाउन में तुमको दिखेगा, ठीक है, दमदम पार्क में भी है एसी बना है, शायद बनेगा दमदम एसी बस स्टैंड. एसी बस स्टैंड लेक टाउन में, लेक टाउन और श्रीभूमि दोनों में एसी बस स्टैंड है, ठीक है. अब मैं, मेरा सिंपल सवाल, आई एम नॉट अगेंस्ट सुजीत बोस, ठीक है, इवन आई एम नॉट ऑल्सो अगेंस्ट ममता दीदी. मतलब मेरा कहने का मतलब है कि भाई लेक टाउन में एसी बस स्टैंड बनाने का क्या मतलब है. मतलब ये कोलकाता के अंदर का ही एक जगह है, पूरा कोलकाता नॉर्मल बस स्टैंड में खड़ा है, एक लेक टाउन में एसी बस स्टैंड, मैंने बाकी जगह में गर्मी है उधर जाके ठंडा खाएंगे, ऊपर से कितना खर्चा गया. चलो ठीक है अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से जिस दिन पूरा कोलकाता में तुम कर पाओगे उस दिन करो ना, अच्छा लगेगा. मैंने सिंपल बात है, उसको रनिंग करने का खर्चा अगर उठा सकते हैं तो मेरे हिसाब से ये बेहतर अप्रोच होगा, लेकिन खर्चा उठाने का दम नहीं है और बस एक बना दिया, कुछ दिन बाद वो ऐसे ही बेकार, खर्चा बेकार ही जा रहा है. जैसे वो क्या बोला, सब टूटा हुआ है, मेंटेनेंस नहीं है, क्या मतलब है. चलो ठीक है सर, कंपैरिजन में नहीं जाएंगे, लेकिन पॉइंट एकदम सिंपल है कि गवर्नमेंट ग्रांट क्या है आपको समझ में आ गया, ठीक है. अब कोई कुछ भी करे, ये देखो बीच बीच में थोड़ा जो पॉलिटिकल जो चौंचला मैं कर लेता हूँ ना, वो और कुछ नहीं, आप लोगों को थोड़ा सा एंटरटेनमेंट देने के लिए और कुछ नहीं. नहीं तो क्या है ना, थ्योरी है सर, ऐसे थ्योरी है फिर ऊपर से बोले जा रहे हैं अपना. अच्छा जो लोग ऑनलाइन में है, जो लोग कोलकाता से नहीं है, वो लोग रिलेट ही नहीं कर पाया क्या सुजीत बोस कौन है और ये लेक टाउन में एसी बस स्टैंड ही क्या, वो लोग रिलेट नहीं कर पाए, सॉरी फॉर देम. ओके कोई बात नहीं सर, हर शहर का अपना अपना कहानी होता है. तो आइडिया तो लग गया ना सर कि क्या क्या, देखो सबका अर्निंग पर शेयर, ये जो अकाउंट्स में जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो लोग कंपनी की ईपीएस चेक करता है, करेगा ही करेगा. देखो चालू हो गए सर, शेयर मार्केट इन्वेस्टर चालू हो गए, ठीक है, ईपीएस अच्छा है कि कम है, ज्यादा है कि 15% पर शेयर दे रहे हैं कि 30%, जितना हाई होगा उतना नॉर्मल परसेंटेज ऐसा है, ईपीएस जितना हाई होगा उतना बेहतर है. लेकिन ईपीएस कैलकुलेशन करने के बारे में भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उसको स्टैंडर्ड फॉलो करके करना चाहिए. नहीं तो आप लोगों को मैंने बेसिक्स में एक चीज बताया था, याद है, कि एक ही बिजनेस का हिसाब
कोई प्रॉफिट ज्यादा बता रहा था, कोई प्रॉफिट कम बता रहा था। तो अगर प्रॉफिट किसी भी तरह से मैं मैच करा के ज्यादा कर दूंगा तो अर्निंग पर शेयर तो बढ़ जाएगा। इसलिए स्टैंडर्ड अगर फिट नहीं करेंगे, कोई बोलेगा नहीं मेरा स्टैंडर्ड सही है, कोई बोलेगा नहीं मेरा स्टैंडर्ड सही है, अभी तुम्हारा अपना से तो फिर खत्म हो जाएगा ना, फिर समझ में नहीं आएगा कि किसका सही है किसका गलत है। इसलिए स्टैंडर्ड बहुत जरूरी है, एक यूनिफॉर्म सिस्टम को डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी चीज है। अब आगे फिर से मैं लिस्ट आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है? वापस चलते हैं सर, डेवलप करते हैं धीरे धीरे, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है बता देते हैं एक बार। तो रही बात अच्छा, इसमें हम लोग ये क्या क्या फिर जानेंगे सर कि जैसे व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कितना सारा अकाउंटिंग का लिस्ट है उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, इम्पोर्टेंस क्या है उसका, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियज इन इंडिया, वॉलेंटरी एप्लीकेबिलिटी भी है, और फेज के बारे में कि भाई इंडिया में धीरे 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 बना जा रहा है, और एक कैलकुलेशन भी सिखाएंगे सर कि नेट वर्थ कैलकुलेशन करने का भी एक सिस्टम, मैंने इन डेज ना कुछ बिजनेस के लिए मैंडेटरी है, तो जिसके लिए मैंडेटरी है उसका नेट वर्थ के ऊपर डिपेंड करता है, मैंने एसेट माइनस लाइबिलिटी करके कैलकुलेट करना पड़ेगा कि किसके लिए इन डेज मैंडेटरी है। अगर इन डेज मैंडेटरी नहीं होगा तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का जो पुराना वाला सिस्टम है उसमें चल सकता है, ठीक है? इन डेज नया है सर, इट्स अ वेरी न्यू थिंग और इसके ऊपर काफी काम कर रहे हैं। बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कुछ इस तरह का सिंपल सिंपल क्वेश्चन का जवाब देंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर सेट ऑफ रूल्स व्हिच हेल्प कंपनीज रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इन सिंपल, इतनी सी बात है और कुछ नहीं। इट्स अ सेट ऑफ रूल्स व्हिच हेल्प कंपनीज रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसा गवर्नमेंट ने बोला है उस तरह से मैंने इसको किया और उसको रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट माने आगे जाके जब आप लोग फाइनल कंप्लीट कर लोगे ना तो अकाउंटिंग रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। अकाउंटिंग रिपोर्ट नॉर्मली चार्टर्ड के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहते हैं, सीएमए के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहते हैं, क्योंकि अकाउंट्स का मैटर उन्हीं के ऊपर होते हैं। हाँ, सीएस का क्या है कि सारा रिपोर्ट होने के बाद वो एनुअल रिपोर्ट में सीएस का दम आता है, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट के अंदर अकाउंटिंग रिपोर्ट होता है। नहीं, सबका रोल प्ले है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर बहुत लोग ऐसे सीएस सीएस दोनों भी कर सकता है आगे जाके, ठीक है? कोई सिर्फ सीएस कर रहा है क्योंकि गलत है लोग, आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है और मार्केट में जॉब में बड़ा हेल्प होता है, क्योंकि कंपनी चाहते हैं कि भाई हमें एक साथ दो तीन वर्सेटिलिटी मिले, यानी एक बंदे के अंदर दो तीन एक्सपर्टीज आ जाए तो फिर कंपनी का क्या होगा, खर्चा कम हो जाएगा। तो तुम बन, हाँ सिंपल बात है, एक सीएस को रखना है, उसका सैलरी होगा कम से कम, मानो इनिशियल सैलरी 50 to 60,000 कम से कम, एक मिनिमम लेवल की बात कर रहा हूँ। एक सीएस को, सीए को रखना है, उसके लिए आपको 1 लाख का सैलरी देना है, ठीक है? अब दोनों मिला के कंपनी का पॉकेट से जा रहा है 1,60,000 के आसपास, तो कंपनी बोल रहा है हमें 1 लाख देंगे, तुम आ जाओ सीएस सीएस एक साथ करके आ जाओ, क्योंकि तुम लीगल मैटर में भी काम कर सकते हो, अथॉरिटी दोनों में है तुम्हारा, ठीक है? कंपनी के अकाउंट्स के मैटर में भी तुम योगदान दे सकते हो और साथ में तुम कंपनी के लीगल मैटर में भी हेल्प कर सकते हो, ऑटोमेटिकली सैलरी पैकेज बढ़ जाता है, इसीलिए लोग करते हैं। और कंपनी में लीगल इश्यूज भी रहता है, अकाउंटिंग मैटर तो रहेगा ही रहेगा, वो तो सदाबहार चीज है, पर लीगल इश्यूज क्या है, बदलता रहता है, कंपनी को हर चीज में हमेशा अपडेट नहीं मिलता, क्योंकि जो कंपनी का ओनर होता है या प्रोमोटर होता है वो थोड़ी ना इतना क्वालिफाइड होते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट होकर बिजनेस कितना लोग करता है जैसे रिसेंट डेट में अगर देखा जाए तो वो बोट का ओनर, ठीक है? वो तो सीएम है, ऐसे ऐसे चंदा कोचर जी जो सीएम थे, मैं फेमस नाम बता रहा हूँ, जैसे मैंने और एक जने चार्टर्ड किया है, जैसे अब मोस्ट प्रोबेबली वो तो बहुत ही बड़ा बिजनेस मैन है, कुमार मंगलम बिरला, झुंझुनवाला तो आप लोग जानते हो, तो दे आर वेरी फ्यू पर्सन, ठीक है, जो चार्टर्ड करने के बाद बिजनेस मैन या फिर कुछ प्रोफेशनल किया। अदरवाइज ज्यादातर बिजनेस मैन देखोगे तो अगर बहुत गौर से देखोगे तो इतना क्वालिफाइड भी नहीं होंगे सर, लेकिन उनको बिजनेस करना आता है तभी वो चार्टर्ड को क्या करता है, रखता है अपने बिजनेस पे, आओ भाई देखो मेरा करोड़ों का संपत्ति देखो। हाँ सर एग्जैक्टली, अब गवर्नमेंट क्या है ना बीच बीच में नियम लाते हैं, अब एक बिजनेस मैन ओनर को थोड़ी ना पता है क्या क्या नियम कब लागू, वो बिजनेस करेगा कि नियम पता करेगा?
आप बताओ बिजनेसमैन बिजनेस बिजनेसमैन के दिमाग में क्या चलता है, इनोवेशन चलता है, भाई क्या करने से 4 पैसे ज्यादा कमाओगे, ये बिजनेसमैन का सिंपल। अच्छा देखिए ठीक है, तो बिजनेसमैन को क्या पता, इसलिए वो अलग से रखते हैं, समझ रहे हैं सर, समझो सर समझो, रूल फॉलो करके सबमिट करना ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मेन पर्पस। अच्छा, इन जनरल टर्म्स एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज अ सेट ऑफ रूल्स स्टैंडर्ड्स प्रिंसिपल बेस्ड ऑन व्हिच फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिटरमाइन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट कंपनीज, दे डिक्टेट हाउ ईच ट्रांजैक्शंस एंड अकाउंटिंग एंट्री शुड बी आइडेंटिफाइड। एक एक एंट्री किस तरह से होना चाहिए वो आइडेंटिफिकेशन स्टैंडर्ड्स बताता है। इवन जब कोई ऑडिट करने जाता है तो ऑडिटर को भी सिमिलर चीज फॉलो करना होता है कि एवरीथिंग इज एज पर स्टैंडर्ड्स ऑर नॉट। अगर एज पर स्टैंडर्ड नहीं होगा ना तो ऑडिटर रिपोर्ट में कुछ नेगेटिव रिपोर्ट जनरेट करते हैं, और अगर किसी बिजनेस का या कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट नेगेटिव आ जाता है ना तो उसको लेके हंगामा मच जाएगा, गवर्नमेंट क्या कर रहा है, करोड़ों का बिजनेस कर रहा है, लोगों का पैसा कहाँ कहाँ का पैसा कहाँ दे रहा है, न्यूज़पेपर वाले छोड़ेगा नहीं, ठीक है, मीडिया नहीं छोड़ेगा। और सच में लोगों का पैसा लेके, जब स्पेशली पब्लिक लिस्टेड कंपनी जब दूसरे का पैसा लेके काम करता है तो उनको सर क्या है ना, लोगों को लगता है जैसे आईपीओ, हम लोग आईपीओ में बड़े खुश हो जाते हैं कि आईपीओ आ रहा है, आईपीओ आ रहा है कि हम लोग आईपीओ में देंगे कंपनी का शेयर ले लेंगे, फिर कल जब कंपनी का किसी भी तरह का डिस्प्यूट क्रिएट होगा फिर हम लोग सबसे पहले खुद ही बोलेंगे सरकार कुछ नहीं देख रहा, इतना लोगों का पैसा सरकार कुछ नहीं कर रही, ये सरकार को भगाओ। मजा का बात क्या है कि सरकार ना नियम बनाता रहता है, और नियम बनाने के लिए अथॉरिटी बनाए, इंस्टीट्यूशन बनाए, जैसे सी इंस्टीट्यूट, सीएस इंस्टीट्यूट, सीएम इंस्टीट्यूट क्यों बनाया जा रहा है सर, क्यों इसके पीछे इतना समय देता है सरकार, क्यों इसके पीछे खर्चा करता है, ये सब इंस्टीट्यूट सरकारी है, गवर्नमेंट ग्रांट से चलता है, इतना मेहनत क्यों करता है, क्योंकि इनका काम है कि पूरा इंडियन बिजनेस एनवायरमेंट को बने, लोगों के सामने ट्रांसपेरेंट रखते हैं, एज पर रूल वो प्रॉपर काम कर पाए, तभी इंस्टीट्यूट को डेवलप किया गया, समझ रहे हो सर, तो आप लोग समझो कि आप लोग क्या चीज पढ़ रहे हो, सिर्फ कोर्स करके कितना कितना रुपया का नौकरी मिलेगा ये पर्पस नहीं होना चाहिए, वो तो पर्पस है ठीक है, उसको मैं खराब नहीं बोलता, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो खराब चीज है, बट सिर्फ पैसे पाने के लिए थोड़ी कुछ होता है, पैसा तो जीने के लिए सब कुछ सब कमाते हैं, कौन नहीं कमाते, जो क्वालिफाइड है वो भी कमाते हैं, जो नॉन क्वालिफाइड है वो भी कमाते हैं, नहीं कमाएगा, जिंदगी गुजारने वो तो एक तरीका है गुजारने, बिना पैसे भी जिंदगी गुजारा जाता है उसका भी अलग तरीका है ना, तो जिंदगी गुजारने का तरीका मिल जाएगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि भाई क्यों पढ़ना है ये सब, क्यों क्यों किस लिए बनाया गया है, राइट टू अंडरस्टैंड। फिर क्या बताते हैं सर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट कंपनीज, दे डिक्टेट हाउ ईच ट्रांजैक्शंस एंड अकाउंटिंग एंट्री शुड बी आइडेंटिफाइड मेजर्ड रिकॉर्डेड पब्लिश्ड इन फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट। कंपनी जब अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट जनरेट करेगा, जिसको हम लोग एक्चुअली पढ़ते हैं, तो मैं आपको कितना बार क्लास में नहीं दिखाया कंपनी का एनुअल रिपोर्ट ओपन करके, है ना, चलो एक एनुअल रिपोर्ट में देखता हूँ अगर मिल जाए तो, वहाँ पर आपको सब चीज दिखेगा, एक सेकेंड रुक जाओ, कहाँ जाके मिलेगा, ऐसे तो नॉर्मली कंपनी के साइट से भी मिल सकता है, टिकट टाइप में भी जाके मुझे इजीली मिल जाएगा, ये एक फाइनेंशियल वेबसाइट है, यहाँ पर कंपनी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलता है, जो लोग फंडामेंटल एनालिसिस समझते हैं, अकाउंटिंग समझते हैं, फिनेंस समझते हैं, वो कंपनी के बारे में ना पूरा एनालिसिस करके उसका पता कर सकता है सर, देखते हैं सर जे मिलता है कि नहीं, एनुअल रिपोर्ट चाहिए, कहाँ है एनुअल रिपोर्ट, ये एक दिख रहा है मुझे, ठीक है 2023 का, यस सर, ये टाटा का रैंडमली आया सर, मैं कुछ सोच समझ के नहीं लिया, जस्ट अ रैंडम पिक आप लोगों को दिखाने के लिए, अच्छा आप लोग भी डाउनलोड करके खुद भी चेक कर सकते हो कि जो आप पढ़ रहे हो उसका रियल लाइफ में इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, ऐसा ना लगे जैसे स्कूल वाला एडुकेशन है ना आज के डेट में, क्या पढ़ रहे हैं बता नहीं, जाना है जाते हैं, पढ़ना है पढ़ते हैं, लेकिन जिंदगी में क्या काम आएगा वो तो पता ही नहीं चलता, ये देखो सर
ये टाटा मोटर का एनुअल रिपोर्ट है, ठीक है। अब इस एनुअल रिपोर्ट के अंदर ये जो बोर्ड का रिपोर्ट है, या फिर अगर आप फाइनेंशियल रिपोर्ट में, स्पेशली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, ये देखो 305 नंबर पेज में दिया है। स्टैंड अलोन भी है और कंसोलिडेटेड भी है। एक्चुअली स्टैंड अलोन क्या होता है, कंपनी का, टाटा मोटर्स का खुद का, और कंसोलिडेटेड माने टाटा मोटर्स का और उसका सब्सिडियरी का मिला के, है उसका भी छोटा मोटा और भी कंपनी होगा ना जिसके ऊपर टाटा मोटर्स ने इन्वेस्ट करके रखा है 50% से ज्यादा। तो जब अपने सब्सिडियरी का मिला के होता है तो उसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट, और जब सिर्फ अपना होता है उसको बोलते हैं स्टैंड अलोन स्टेटमेंट। समझ रहे हो सर, ये जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ सब कुछ एज पर अकाउंटिंग डेटा बता रहा हूँ, ये गवर्नमेंट का अकाउंटिंग डेटा के हिसाब से है। अभी इट्स अ वेरी बिग पेज, अब इतना बड़ा चीजों के अंदर हम लोग खो जाएंगे अभी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझाने के लिए अकाउंटिंग डेटा में एक बार जाना चाहिए सर। जब हम लोग क्लास में फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ते हैं ना, तो एक एक पेज के पीछे समय देना पड़ता है, कैसे पढ़ना चाहिए, इसका क्या मतलब है, अंदर क्या कहता है कंपनी। जो लोग शेयर में इन्वेस्ट करते हैं वो फंडामेंटली जब कंपनी को समझना चाहता है ना, तो उसको एक एक चीज जानना पड़ता है। देखो क्या लिखता है, बैकग्राउंड एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे फॉर्म हो, उसका नोट्स, ठीक है। ये देखो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, यहाँ पर आपको पीएल बैलेंस शीट भी दिख जाएगा। 305 नंबर पेज कहाँ है, थोड़ा और ऊपर होगा। ये क्या था, ये क्या था, यहाँ पर निकल गया अभी। देखो अभी था ना कुछ, ये देखो सर ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है, देख रहे हो। ये देखो इसमें इसमें ये देखो कंपनी का जो एग्जीक्यूटिव रहेगा उसका तो साइन रहेगा ही, उसका डिटेल्स रहेगा। ये देखो यहाँ पर देखो ऑडिटर का डिटेल्स देख रहे हो सर, ये देखो BSR कंपनी LLP चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है। उसके नीचे पार्टनर का डिटेल्स। अच्छा ये है ग्रुप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एक नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, माने काफी सारा मिलके बनाते हैं सर। नॉर्मली चार्टर्ड या CMA मिक्सअप हो सकते हैं। और ये देखो नीचे मौलाई कुमार गुप्ता कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। सबको मिलके एक कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट को जनरेट कर पाते हैं। और वहां पर ये जो कितना बोरोइंग है, कितना कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे मेंटेन करना है, सब कुछ जो कुछ भी आप देख रहे हो ना, ये सब एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होना मैंडेटरी है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होना मैंडेटरी है। इसको रिपोर्ट भी बोल सकते हो आप, ये पूरा रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट जब सबमिट करते हैं आगे जाके आप लोगों को ना, जब फाइनल पढ़ोगे नॉर्मली CACM वाले, तो फाइनल में ना रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिखाया जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पे ये पूरा डिटेल्स कैसे बनता है, किस तरह से करना चाहिए, ये सारा चीज आप लोग धीरे धीरे समझ जाओ। प्रोसेस है, मैं आपको जस्ट रूट मैप बता रहा हूँ थोड़ा सा कि आखिर आप लोग कहाँ पहुंचोगे, ठीक है। तो अगर आपको आइडिया लग रहा है ना, तो फिर आपको पता लगेगा कि भाई क्या पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं और पढ़ के क्या होगा, ठीक है। तो जस्ट एक आइडिया के लिए बता रहा हूँ, अभी समझ में पूरा बात नहीं आएगा सर, बट मैं इतना चाहता हूँ कि आप लोग ये सब बात समझना सीख लो। जितना जल्दी सीखोगे उतना अच्छा। सर फाइनल करें उसके बाद सीखते हैं। अरे सर ठीक है, वो तो प्रोसेस में रहेगा, बट अगर आप लोग चाहोगे ना, आदत बना लोगे, और वो आदत अभी से बिल्ड करो, ठीक है। सर आप तो बोल देते हो कैसे करें, सारा दिन में कॉलेज जाना, इतना सारा काम करना, ठीक है, फिर एंटरटेनमेंट तो थोड़ा बनता है, ठीक है, फिर होता टाइम भी कहाँ बचता है सर, है ना सर, टाइम बचता ही नहीं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया इशूड बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, ठीक है। द ASB वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इन 1977। ASB माने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, फर्स्ट टाइम इसको 1977 में बनाया था सर, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सेट टू सेट ऑफ रूल्स व्हिच हेल्प कंपनीज रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट देयर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। कंपनीज इन इंडिया रिकॉर्ड टू फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज प्रिस्क्राइब्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मेक्स फॉर यूनिफॉर्म एंड कंपेरेबल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड आर बेनिफिशियल। अब सुनो बात को, कि कौन सा कंपनी किस तरह का फाइनेंशियल स्टेटमेंट या सॉरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहा है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से पता चल जाता है, और इसके बेसिस में ना हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, दो कंपनी को, चार कंपनी को मिक्स अप करके कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा कंपेयर क्यों करना है, क्यों करना है कंपेयर, हाँ क्योंकि जब कोई बंदा पैसा लगाता है ना बिजनेस में, तो वो बिजनेस को कंपेयर करता है। जैसे आज अगर कोई बड़ा बिजनेस, देखो छोटा लोग माने नॉर्मल, हम लोग छोटा बोलना नहीं चाहिए, रिटेलर, ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर्स, ठीक है, छोटा मोटा आदमी, हम लोग जैसे लोग जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं ना,
हम लोग कितना लगा लेते हैं सर इन जनरल? कोई 10,000 लगाएगा, कोई 10 लाख लगाएगा, कोई 50 लाख लगा देगा। अच्छा चलो कोई 1 करोड़ लगा दिया, लेकिन कंपनी का मार्केट कैपिटल है 1 लाख करोड़, उसमें आपका 1 करोड़ का परसेंटेज ही कितना है? ठीक है, लेकिन आपके लिए तो आपका 1 करोड़ बहुत है सर, आपके लिए आपका 50 लाख भी बहुत है, आपके लिए आपका 10,000 भी बहुत है। सो आपके लिए आपको जानना चाहिए, और जो बड़े बड़े डील करते हैं, जो 500 करोड़, 700 करोड़, 1,000 करोड़ बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा ना, तो बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले वो 10 बार उसको देखेगा, जानेगा, समझेगा। फिर जैसे ये बायजू, बायजू का सिचुएशन देखा आप लोग, खबर देख रहे हो? बायजू बेसिकली अकाउंटिंग केस में पूरी तरह थोड़ा फंस गया है, और फंसने के बाद अभी रिसेंटली बायजू का क्या खबर है दिखाता हूँ, थोड़ा देख लेते हैं गूगल करके। अभी ना उसको फिर से इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसका वैल्यूएशन थोड़ा गिर गया है सर, थोड़ा नहीं काफी, उसका वैल्यूएशन गिर गया है, कुछ 23 बिलियन से भी 3 बिलियन का बिजनेस बन गया है। एक न्यूज तो इसके बारे में आ ही रहा है सर, फेलियर सबमिट पेपर्स डिलेज बाय बायजू, HCLIs कर्नाटका फॉर चीप फैसिलिटी, बायजू से जीडी नोटिस फ्लैग्स डिले इन फाइलिंग एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, बायजू से फुल्ली कंप्लायंट विद फेमा रेगुलेशंस, बायजू बोल रहे कि सब कुछ ठीक ठाक है, ठीक है, नॉमिनल फीस देना चाहता है। तो ये देखो 22 बिलियन से 3 बिलियन में आके रुका है वैल्यूएशन उसका, एंड एक्चुअली अभी उसका बिजनेस में थोड़ा कैश फ्लो प्रॉब्लम चल रही, लेकिन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड ने बोला था कुछ महीने पहले, ऑडिटर ने बोला कि नहीं बायजू के बिजनेस में थोड़ा सा मैंने एडजस्टमेंट पूरा पूरी ठीक ठाक नहीं है, ठीक है, कुछ तो प्रॉब्लम है। तो जैसे ही मार्केट में खबर गया, इंटरनेशनल मार्केट से जो इसके पास पैसा आ रहा था ना, दुबई का पैसा आ रहा था, दुबई में एक्चुअली काफी इंडियंस रहते हैं, तो बायजू का जो कोर्स है वो दुबई मार्केट में काफी अच्छा सेल होता था, क्योंकि दुबई में देखो, दुबई में एक ड्राइवर का नॉर्मल इनकम है 1 लाख रुपए मंथली, अगर आप दुबई में जाके गाड़ी चलाओगे तो आप 1 लाख मंथली ऐसे ही कमा लोगे। तो आप बाकी समझ लो कि जो लोग जॉब करने जाते हैं वो लोग कितना कमा लेता होगा, 2-4 गुना तो ज्यादा कमा ही लेगा, है ना। तो फिर बायजू का कोर्स फीस 3 लाख, 3.5 लाख का जो कोर्स फीस है, बच्चे बच्चे लोगों का 7-8 का, 9-10 का, है ना, तो उसका नॉर्मल इंडियन मेंटेलिटी कभी भी उस तरह का कॉन्सेप्ट के साथ नहीं जाएगा सर। तो बायजू का मेन मार्केट इंटरनेशनल मार्केट था, और थोड़ा बहुत इंटरनेशनल मार्केट से इंस्पायर होके, शाहरुख खान से ऐड देख के, ठीक है, लोगों को लगा कि हम भी ऐसा पढ़ाएंगे जो शाहरुख खान ऐड में थे उसी को पढ़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्केट बना था। लेकिन बायजू कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में ये फंस गया कि ये इंडियन मिडिल क्लास सेगमेंट को मैंने थोड़ा महंगा हो गया, थोड़ा नहीं बोलोगे ज्यादा ही महंगा हो गया। तो अब प्रॉब्लम है कि अब वैल्यूएशन, अब अकाउंटिंग प्रॉब्लम, कैश फ्लो का आना कम हो गया, इंस्टीट्यूट के तरफ से ऑडिट तरफ से एक ब्लैक, एक बेसिकली एक नेगेटिव बात चालू होना, और सच में प्रॉब्लम हुआ। अब वैल्यूएशन जैसे कम होने लगेगा तो इंटरनेशनल मार्केट से जो पैसा फ्लो हो रहा था कि भाई बायजू ये जो 23 बिलियन का बिजनेस बनाना, मजाक है सर, लोग इंसान 1 करोड़ का बिजनेस बनाने में पागल हो जाते हैं, 23 बिलियन डॉलर का बिजनेस बनाए, लेकिन बिजनेस का वैल्यूएशन डे बाई डे गिर रहा है। अब जितना वैल्यूएशन क्यों गिर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका पहले जैसा बात नहीं है, आशा करते हैं सब कुछ ठीक हो जाए, मैं तो वही चाहूंगा, लेकिन वो अलग बात है सर, वो तो दुआ करना वो अलग चीज होता है, लेकिन बात दुआ से थोड़ी ना चलेगा, ठीक है, हाँ वही बात है। अब फेल कैसा हो रहा है कि अब इनके पास बिजनेस में पैसे का फ्लो कम हो रहा है, अब ये किसी तरह से ना टिकना चाहता है, इसी तरह से इनको कैपिटल, वर्किंग कैपिटल नहीं है, इतना बड़ा बिजनेस जो फैला के रखे हैं उसको चलाने के लिए प्रॉपर वर्किंग कैपिटल नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए बोल रहे हैं कि हमें और थोड़ा पैसा दो, इन्वेस्टर पे अट्रैक्ट करना चाहता है। ऐसे इसके पास एक एसेट है, टेक्नोलॉजी है, एडुकेशन को जिस तरह का टेक्नोलॉजी बिल्ड अप करके ये लोग पढ़ा रहा था, तो वो उस लोगों का एसेट है, नो डाउट। लेकिन मार्केट धीरे धीरे क्या हो रहा है, डाइवर्स हो रहा है, सिमिलर काइंड ऑफ और भी लोग आ जा रहे हैं मार्केट, ऐसा नहीं कि बायजू अकेला ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि एनिमेशन करना लोग सीख रहे हैं सर, ठीक है, और पढ़ाई को एनिमेशन के थ्रू से रिप्रेजेंट करना, ये भी एक तरीका बना है। और लेकिन सर बायजू ना मेरे हिसाब से हेल्पिंग हैंड हो सकता है, लेकिन वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकता, ये मेरा मानना है। मैंने एक स्टूडेंट को, अगर माँ बाप सोचते कि नहीं तुमको बायजू में पढ़ाएंगे और तुमको बड़ा कर देंगे, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये थोड़ा दिक्कत हो सकता है। एक सॉलिड टीचिंग जो होता है ना, वो उसको अपनी लोकेलिटी में ही मिल सकता है, बायजू को आप हेल्पिंग हैंड की तरह रखो, वो मेन कभी नहीं हो पाएगा।
ये मेरा मानना है, पता नहीं। अब गार्जियन अगर उसको मेन मान रहा है ना कहीं वो इतना थोड़ा सा उससे मुकर रहा है, बोले नहीं बायजू से पूरा पूरी बात नहीं बनेगा, ठीक है नॉलेज मिलेगा नो डाउट, अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर देते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका बिजनेस में इस तरह का इश्यूज जनरेट हुआ है। चलो चलो बायजू का एनालिसिस थोड़ी ना करने बैठे, लेकिन मैं आपको बस इतना समझाने का कोशिश कर रहा था, जब बिजनेस का वैल्यूएशन गिर जाता है, अकाउंटिंग में किसी भी तरह का फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो जाते हैं, स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं होता है ना, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फेमा के रूल, जैसे बायजू के अगेंस्ट में कुछ मैंने फॉरेन एक्सचेंज रूल्स तोड़ने का एक कॉन्सेप्ट है कि जो उनको जो फॉरेन से जो पैसा मिलता है उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट के घर में जो टैक्स वगैरह देना है उसका कुछ मीन्स मैंने रेगुलेशंस को प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया, ऐसा उनके ऊपर आरोप आया है, एलिगेशन लगाया। तो कहीं ना कहीं वो जो आरोप लग रहा है किस बेसिस में लग रहा है, स्टैंडर्ड के बेसिस में कि भाई तुमने अकाउंटिंग के हिसाब से काम नहीं किया। बात समझ रहे हो सर? एक छोटा सा थ्योरी है आप लोगों के लिए यहाँ पर, लेकिन ये छोटा सा थ्योरी अल्टीमेटली एक बिजनेस का किस्मत को दिखा रहा है आपके सामने। अच्छा फिर से अभी सामने आ गया सर, पूरा लिस्ट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इज इशूड लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। वैसे इंड एस 101 फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इसका यूज है कि इंडिया का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट टाइम यूज होगा, इसके बारे में इंड एस 101 में लिखा है। अच्छा हम लोग ना किसी भी स्टैंडर्ड्स के डेप्थ में नहीं जाएंगे सर, क्योंकि डेप्थ में आप लोग इंटरमीडिएट लेवल से जाओगे, समझ रहे हो, स्पेशली चार्टर्ड एंड सीएमए को ही करना है जो लोग अकाउंटिंग के लेके आगे बढ़ेगा, सीएस को उतना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में डेप्थ में नहीं लेके जाते क्योंकि वो तो उनका मेन टेरिटरी नहीं है ना सर, इसीलिए। अच्छा इंड एस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशंस, इंड एस 104 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, इंड एस 105 नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। माने नॉन करेंट एसेट माने क्या, लॉन्ग टर्म एसेट जो बिजनेस के पास होते हैं ना, वो मानो बिजनेस अपने पास रखा है पर सेल करेगा उसका जो अकाउंटिंग एंट्री है, नॉन करेंट माने लॉन्ग टर्म एसेट, एक होता है करेंट एसेट एक होता है नॉन करेंट एसेट। करेंट माने जो एक साल के अंदर जिसका किस्मत बदल सकता है, माने आपके पास कैश है, कैश भी तो एसेट है सर, एसेट विद इन 1 ईयर आप सेल माने बेसिकली निकल जाएगा, माने जिसको बेसिकली आप विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकते हो उसे करेंट एसेट कहते हैं, और जिसको आप मोटा मोटी 1 साल से ज्यादा टाइम लग जाएगा उसको कैश में कन्वर्ट करने में तो वो लॉन्ग टर्म एसेट कहलाता है। ना आपके पास लैंड है ठीक है, आप उसको थोड़ी ना तुरंत आप बेच दे रहे हो, लंबा समय के लिए रखोगे तो इसीलिए उसको आप क्या करते हो लॉन्ग टर्म एसेट मानते हो। जैसे करेंट एसेट के बारे में और लॉन्ग टर्म एसेट के बारे में मैं बेसिक अकाउंट्स के स्टार्टिंग में ही बात कर रहा था कि कितना तरह का एसेट्स होते हैं नहीं होते हैं, तो यहाँ पर बता रहे कि नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। माने डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन माने आपका बिजनेस अभी बंद कर रहे हो, जैसे मानो जेट एयरवेज या फिर जैसे गो एयरलाइंस, ठीक है जब भी कोई बिजनेस को बंद करता है तो ऑब्वियसली उसके पास जो पुराना एसेट्स है, उसके पास जो पुराना एसेट्स है वो क्या करेगा, वो बेच देगा है ना, तो उसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो 105 में होता है। बट बुझते वाले 106 एक्सप्लोरेशन ऑफ इवेल्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, पहले ही थोड़ा सा बता रहा था। इंड एस 107 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड डिस्क्लोजर, मैंने बिजनेस के पास कितना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट उसने यूज किया फाइनेंशियल लेवल में, मैंने लोन क्या लिया है, बॉन्ड का क्या सिचुएशन है, इसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं ठीक है, उसका डिस्क्लोज करना। इंड एस मैंने डिस्क्लोज करना, आपको बताना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना मैंने बताना पड़ेगा कहाँ पर, एनुअल रिपोर्ट में अकाउंटिंग स्टेटमेंट में बताना पड़ेगा। 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स की आप कहाँ कहाँ किस किस सेगमेंट में आपका बिजनेस होता है ठीक है, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 109 अगेन ठीक है, 110 कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट, अभी मैं आपको कुछ देर पहले टाटा मोटर्स का बता रहा था, अभी दिखा रहा था कहाँ चला गया भाई, एक रिपोर्ट इतना बड़ा बड़ा पेज का होता है ना, 500-700 पेज का, तो जल्दी में ढूंढना मुश्किल हो जाता है सर। कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट ये देखो टाटा मोटर्स पेज नंबर 305 में था ना, ये इसका कैश फ्लो है, ये इसका ये देखो सर स्टेटमेंट ऑफ पीएल। अच्छा यहाँ पर ना लिखा रहता है कि ये स्टैंड अलोन है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ऊपर लिखा होगा सर कि स्टैंड अलोन है, मैंने उसका सिर्फ टाटा मोटर का है कि
कि कॉन्सोलिडेटेड है, कॉन्सोलिडेटेड माने सब्सिडियरी वगैरह को मिला के, ठीक है। तो ये जो भी स्टेटमेंट करेगा ना उसका भी स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है, तो स्टेटमेंट में बोला है कि वो कॉन्सोलिडेटेड स्टेटमेंट दे सकता है, तो उसके बारे में 110 में बोला। जॉइंट अरेंजमेंट, जब कोई काम जॉइंट अरेंजमेंट करके होता है, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन अदर एंटिटीज, ठीक है, फेयर वैल्यू मेजरमेंट, रेगुलेटरी डिफरल अकाउंट्स, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कस्टमर्स, अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट से कस्टमर्स आता है कॉन्ट्रैक्ट से उसके बारे में 115, इंडेज 116, लीज के बारे में, लीज माने जैसे रेंट होता है वैसे लीज भी होता है। लीज कैसे होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, मानो आपको परमानेंटली कोई जगह नहीं मिला, सरकार आपको बोलते हैं कि भाई 99 ईयर्स का लीज लो, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करेंगे बट लीज देंगे आपको, आप लीज पे जमीन लेके, लीज पे फैक्ट्री लेके, जैसे बड़ा बाजार जाओगे ना, बड़ा बाजार में जितना भी लोगों का दुकानें हैं किसी का ओनरशिप नहीं है, सब लीज का है, क्योंकि ओरिजिनल ओनर कौन है किसी को पता ही नहीं चलता। 300-400 साल पुराना है ना सर, कोलकाता ब्रिटिश नहीं बनाया 200-250 साल, उसी टाइम से बन के चल रहा है, 200-250 साल हो गया, 300 साल, 1696 से कोलकाता बना है, बड़ा बाजार उसी टाइम से है। जैसे एमजी रोड जब भी क्रॉस करते हैं, मानो सेंट्रल एवेन्यू से एमजी रोड की तरफ जैसे क्रॉस करते हैं, डाई मोड़ते हैं इधर से जाने के टाइम पे, और जैसे हावड़ा की तरफ बढ़ते हैं, दोनों साइड को देख के ऐसे नहीं लगता कि बिल्डिंग अभी गिर जाएगा, तो वो इसलिए लगता है भाई। कोलकाता का एंट्रेंस जो है सर हावड़ा ब्रिज से उतरने के बाद, ठीक है, एक बार एक साउथ इंडियन लड़का के साथ मेरा, मैं बस में आ रहा था, वो हावड़ा से किसी ट्रेन में उतरा, मैं भी उधर से आ रहा था, तो वो बैंगलोर से था, तो मेरे को बोल रहे कि सुना है कोलकाता बहुत सुंदर है बट इधर तो कुछ सुंदर दिख ही नहीं रहा है तो मैं बोलता हूँ कि हाँ कोलकाता सुंदर है, लेकिन आप जिस साइड पे अभी हो इस साइड में आपको सौंदर्य नहीं, आपको सिर्फ पुराना ग्लोरी दिखेगा और फटा हुआ सब चीज मिलेगा, हो सके तो फोटो बनाओ ये अच्छा दिखेगा मार्केट में, क्योंकि वो लॉस्ट ग्लोरी का भी एक अलग फोटो मार्केट होता है ना, तो बड़ा बाजार का जब भी बिल्डिंग देखोगे उसका अलग से फोटो बनाओ और वो पुराना मार्केट के हिसाब से चलेगा, लेकिन उसको आप अगर आपको नया कुछ देखना है तो आपको साउथ कोलकाता में थोड़ा जाना होगा, सेंट्रल कोलकाता में वो भी पुराना हो चुका है, ठीक है, या फिर न्यू टाउन में आओ, सॉल्ट लेक में आओ, दैट्स इट, उधर आपको क्या मिलेगा, वो पूरे नॉर्थ कोलकाता में बस जा रहा था, श्याम बाजार में क्या मिलेगा पूरा नया तुमको, ठीक है, हाथी बाजार में क्या क्या मिलेगा वहां पर, वो पूरा ओल्ड है, 200-300 साल पुराना जगह है, वहां पर कुछ करने जाएगा ना तो वो सबसे पहले से बड़ा बाजार ठीक कर सकते हैं, जैसे बड़ा बाजार को अगर पूरा तोड़ के बनाया जाए तो बहुत सुंदर हो सकता है, लेकिन कौन देगा, ओनरशिप डिस्प्यूट है तो सरकार कर भी नहीं सकता, तभी कुछ होगा जब गिरेगा, बीच बीच में मार्केट जलता है, जैसे नंदराम मार्केट बोल के एक मार्केट था बहुत बड़ा भी है, जल के पूरा एकदम राख हो गया था, फिर जाके वहां के लोग जाके वहां पर बनाया, तो जलेगा तो फिर जाके लोग बनाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हर जगह में ओनरशिप डिस्प्यूट है, ओरिजिनल ओनर कौन है पता ही नहीं, मानो मैं मेरा दादाजी या उसका दादाजी ओरिजिनल ओनर था, अब उसका दादाजी गुजर गया, फिर उसके उसने किसी को लीज दे दिया था, फिर उनका भी फैमिली में कोई है नहीं, अब जो लीज पे रखा है वही मानो मेरा लीज पे है, मेरा ओनरशिप नहीं है, मेरा नाम धाम पेपर में कहीं नहीं है, और मैं एक्चुअली उसको कंट्रोल करता हूँ, मानो एक पूरा 10 माला का बिल्डिंग है मानो, अब उस बिल्डिंग में कौन किसको रेंट में बिठाना है नहीं बिठाना है मैं ही देखता हूँ, मेरे ही कंट्रोल पे है, मानो कि मैं ही ओनर हूँ पर पेपर में मैं कहीं नहीं, मेरा लीज लिया हुआ था, कभी मेरा पापा ने लीज लिया था, इसलिए कुछ करना बड़ा बाजार में ह्यूज माने रिस्की मैटर और बहुत ज्यादा डिस्प्यूट है, नहीं तो अगर बड़ा बाजार सुधर जाएगा तो कोलकाता देखने में बड़ा, लेकिन वो सुधारना मुश्किल है, तो लीज में बहुत कुछ होता है, बड़ा बड़ा जैसे मानो पोर्ट बिजनेस चलता है वो भी लीज पे चलता है, जैसे मानो पोर्ट में कंटेनर वगैरह नहीं होता, वो कंटेनर कोई खरीदते नहीं है, सब लीज पे लेके करता है, तो लीज में बिजनेस बहुत होता है। प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये जो मैं आपको अभी दिखा रहा था टाटा मोटर्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन कैसे बनेगा, इंडेस वन में बोला है स्टॉक को, जैसे लास्ट दिन आपको मैं फीफो लिपो समझा रहा था है ना, तो उसके बारे में इन्वेंट्रीज है ना, तो उसको कैसे मेंटेन करना है, इंडेस टू में बोला है अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में, हम लोग लास्ट क्लास में बात कर रहे थे अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एरर्स, इंडेस 8 में बोला है, ठीक है, अब प्लीज इसको थोड़ा गो थ्रू कर लेना, हाँ
आप लोगों के लिए अभी क्या है ना, बेसिक लेवल में सर नाम ही काफी है, काम जानना हो तो इंटरमीडिएट लेवल से एक्चुअल में जाना, समझ रहे सर? अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यूज्ड इन इंडिया एक्ट पर विद इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे इंटरनेशनली जो भी कंट्रीज हैं, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स का बड़ा दबदबा है सर, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या प्रिंसिपल को ऐसा बनाओ ताकि इंटरनेशनल मार्केट के साथ एक्ट पर हो सके। ऐसा ना हो कि हम लोगों का अकाउंटिंग सिस्टम अभी भी ओल्ड मेथड में चल रहा है और अकाउंटिंग सिस्टम फॉरेन मार्केट में एक अलग ही एडवांस लेवल में चला गया। तो इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम को एडवांस लेवल में ले जाने के लिए इन डेज का डेवलपमेंट अडॉप्ट यूनिफॉर्म सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। यूनिफॉर्म सेट माने इंटरनेशनल मार्केट और इधर का मार्केट में कोई फर्क नहीं होगा अकाउंटिंग मेंटेन करने में। इसीलिए क्या हो गया सर, आपको पता है कि नहीं, आई डोंट नो, बट मैं आपको दिखाता हूँ। आजकल पढ़ाई इतना, ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, कॉस्ट अकाउंटेंसी है, आपको पता है ये सब इंटरनेशनल पढ़ाई है, कोई नॉलेज है आप लोगों को? चलो मैं आपको दिखाता हूँ। क्या है ना, देश का चीज का वैल्यूएशन कौन किया आज तक? फ्री में मतलब सस्ते में मिल जाते हैं ना, तो कोई कदर नहीं है। बाहर का लोग इंडिया में के पढ़ाई करते हैं, आपको पता है ये चार्टर्ड का एग्जाम इंडिया के छोड़ के बाहर के और भी 20-25 कंट्री में एग्जाम होता है। जब आप लोग एग्जाम देने जाओगे और भी दुनिया के और भी 25 देशों में चार्टर्ड का एग्जाम, टीएस का ऑल्सो थोड़ा कम बट पीछे नहीं है, वो भी कोशिश कर रहे हैं। सीएमए तो काफी बेहतर करती है, सीए के साथ साथ ही चल रहा है ऑलमोस्ट। सिंगापुर में रिसेंटली सीएमए का न्यू हेडक्वार्टर बना है, सीए का पहले से ही था। अब क्यों ये बात कर रहे हैं, ये देखो सर, मैं आपको एक चीज निकाल रहा हूँ। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन आईसीआई एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। अब क्या अंडरस्टैंडिंग करेगा ये लोग, शादी करेगा? देखो समझाता हूँ, देखो क्या लिखता है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया साइंड अ मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग विद चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इन 10 सितंबर 2021 फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मूव इज टू म्यूचुअली रिकॉग्नाइज द क्वालिफिकेशंस एंड एडमिट द मेंबर्स इन गुड स्टैंडिंग बाय प्रिस्क्राइबिंग अ ब्रिजिंग मैकेनिज्म बिटवीन द टू कंट्रीज। माने भाई तुम इंडिया में सीए हो, माने तुम न्यूजीलैंड में जाके भी काम कर सकते हो, इतना रिस्पेक्ट, समझ रहे हो कुछ? किस लेवल का पढ़ाई करते हो पता ही नहीं, करते किसी का माँ बाबा ने बोल दिया सीए डर टफ है, ठीक है कोशिश कर, नहीं होगा छोड़ दिया। वैल्यूएशन पता करोगे तब ना पता लगेगा, मतलब तुम इंडिया में चार्टर्ड कर रहे हो तो तुम न्यूजीलैंड में जाके ऑस्ट्रेलिया में जाके भी प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब तुम्हारे पास मौका है, गवर्नमेंट कर रहे, मतलब न्यूजीलैंड इवन नॉट जस्ट दैट। जैसे इसका मतलब क्या, न्यूजीलैंड का या ऑस्ट्रेलिया का कंट्री ये समझाना चाहता है कि भाई इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट इज मोर देन एनफ टू हैंडल आवर कंट्रीज अकाउंट्स, इसीलिए तो कदर करो प्लीज। लोग बाहर से आके इंडियन का डिग्री लेके दूसरे कंट्री में चले जाओ, नॉलेज मिलेगा भाई, वैल्यूएशन है। और यहाँ का लड़का लड़की लोग सर थोड़ा ACCA कर रहे हैं, CPA करेंगे क्योंकि CPA एक साल में हो जाएगा, नहीं CPA थोड़ा सा टाइम, ACCA एक साल में हो जाएगा, डिग्री मिलेगा। तुमको नॉलेज ही नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। यहाँ के कुछ लोग हैं ना थोड़ा आजकल मतलब टोटा निकला है, मतलब यूट्यूब में एडवर्टाइजमेंट आते हैं ना, वो सब देख के सुधा चालू किया है। कुछ लोग मेरे को पूछ रहे हैं सर सुनिए ना, ये ACCA करने से क्या, मतलब इंग्लैंड का चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है। अच्छा सर भाई इंडिया का चार्टर्ड अकाउंटेंट तुमको इंडिया में तो बेनिफिट देगा ही, वो तो है ही, इस कंट्री का नियम है, और इसको लेके तुम बाहर भी जा सकते हो। तो तुम देखो सर, ऐसा ना हो कि कभी कभी क्या होता है कि तुम फॉरेन में गए हो लेकिन वहाँ कुछ ठीक ठाक से बन नहीं रहा है, तो वापस तो देश में आना है ना, तो जब देश में आओगे तो ऐसा ना हो कि वो वाला डिग्री तुम्हारा कुछ काम ही नहीं है। इसलिए पहले अपना देश का जो चीज है उसको सिक्योर कर लो। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, आपको अलग से डिग्री लेने का जरूरत नहीं है, आपको तो मूव कर रहा है, मैंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कर रहा है, आपको क्या डिग्री लेना है। हाँ हो सकता है कि कहीं जरूरत होगा तो थोड़ा बहुत कोई बोलेगा सर हमारा लॉ थोड़ा अलग है, आप ये वाला पेपर थोड़ा क्लियर कर, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमारा लॉ उसका लॉ सेम हो, तो क्लियर करने बोलेंगे। और ऐसा एक देश के साथ नहीं है सर, आप देख लो। अच्छा नॉट जस्ट सीए, सिर्फ सीए नहीं,
ये देखो मोविन सऊदी अरब ऑर्गेनाइजेशंस, अरब, कुवैत, अफगान, नेदरलैंड, यूएई, पापुआ न्यू गिनी, पोलैंड, अजरबैजान, नाइजीरिया, रशिया, केनिया, कौन नहीं है? आप लोग इंस्टीट्यूट के साइड में जाकर चेक कर सकते हो, पागल हो जाओगे। अच्छा सीएमए के साथ ये देखो हमारे इंडियन सीएमए जो है इसके साथ एसीसीए यूके का टाइप है, मैंने इंग्लैंड का चार्टर्ड अकाउंटेंसी का टाइप है। तुमको बस एक क्वालिफिकेशन चाहिए, बाकी ऑटोमेटिक, समझ रहे हो सर? तो देश का झंडा गाड़ दो, मतलब ये जो आप लोग मन में कभी कभी शंका पालते हो ना, मैंने कंफ्यूजन, पता नहीं अगर नहीं होगा तो, अरे करना पड़ेगा, पता नहीं का क्या चाहिए? ये किसी को पता नहीं है आसपास में लोगों को कि आप क्या पढ़ाई है, इसीलिए बोल रहा हूं सर कदर करो। अगर तुम अपने चीजों का रेस्पेक्ट नहीं करोगे तो फिर कोई रेस्पेक्ट, से बोलते हैं ना कि भाई अपने आप को रेस्पेक्ट करना सीखना चाहिए। जब इंसान खुद को रेस्पेक्ट करेगा तो दुनिया उसको रेस्पेक्ट करेगा। जिस दिन से इंडियन क्रिकेट अपने आप को रेस्पेक्ट करना चालू किया है ना, उस दिन से दुनिया भी इंडियन क्रिकेट को रेस्पेक्ट करना चालू कर दिया। मैं क्रिकेट के बाद क्यों बोला, क्योंकि इंडियन क्रिकेट एक्चुअली अगर दिखाया है किसी सेगमेंट में इंडिया ने, दैट इज क्रिकेट में दिखाया है। जो अपना था नहीं, दूसरे का ही है, लेकिन उस चीज को हम उसमें हम लोग अपना झंडा गाड़ते हैं। एक जमाना था सर जब यहाँ का लोग क्रिकेट खेल, मतलब अगर थोड़ा बहुत खेल लिया ना तो उसको अगर बेस्ट बनना था तो वो इंग्लैंड जाना था। वहां पर काउंटी बोल के कॉन्सेप्ट, काउंटी क्रिकेट बोलता है, तो काउंटी क्रिकेट में जाके अगर वहां पर अलग अलग क्लब होता है, जैसे हमारे यहाँ पर आईपीएल में होता है ना, उसी तरह वहां पर क्लब होता है, तो काउंटी क्लब में जाके जैसे ससेक्स होता है, मैनचेस्टर होता है, ऐसे बहुत सारे क्लब होते हैं, जैसे सौरभ गांगुली, सचिन, सभी कुछ ना कुछ क्लब में, द्रविड़ क्लब में खेला है। तो उस टाइम पे क्या था कि अगर आप इंग्लैंड में जाके क्लब में खेलते हो ना तो मतलब आप बड़ा प्लेयर। अभी दुनिया बदल गया है, आज पूरा दुनिया को पूछोगे अगर वो आईपीएल नहीं खेला ना तो वो बड़ा प्लेयर नहीं है। इसको बोलते शिफ्टिंग। अब हम लोग का क्या है, नहीं जब तक विदेश नहीं जाएंगे, विदेशी लोग मतलब विदेश जाएंगे तो हम बड़ा बनेंगे। अरे भाई देश का चीज में बड़ा करके दिखाओ ना, किसी को इसमें मन ही नहीं है। कर रहे हैं लेकिन समय लग रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, सीमित है। हर चीज को अपने चीज पे रेस्पेक्ट करो। गांधी जी तो यही बोलना चाह रहा था भाई, स्वदेशी जो आंदोलन गांधी जी किया है ना सर, मतलब हम लोग अपने प्रोडक्ट को रेस्पेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली विदेशी भी हमारा प्रोडक्ट पहेंगे, घूमेगा, तो फिर इंडिया का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होगा। जैसे हमारे देश में जो देखना, मैं देखता हूँ जब भी कोई मंदिर वगैरह में जाता हूँ ना, स्पिरिचुअल जगह में, जैसे मानो देवघर गया था एक बार आपका वैष्णो देवी गया था, वहां पर देख रहे फॉरेनर लोग देवघर में पूरा एकदम पूरा लंबा लाइन लगा जिसमें सिर्फ फॉरेनर लोग है, ठीक है, स्पेशल वहां पर तो होता है ना, देवघर में थोड़ा सा पैसा वगैरह लेके स्पेशल लाइन बना के, हर कोई सर एकदम वो शिव जी का जो डमरू वगैरह जो होता है ना उसका एक टी शर्ट पहना, जितना फॉरेनर था सारा एकदम शिव जी का एक शर्ट पहन के, और फिर मंदिर में जाके उस भीड़ के अंदर, देवघर का भीड़ भयंकर होता है, जिसको पता है उसको पता है, मतलब वो शिव जी को छूने के लिए क्या जो करता है, और इतना भीड़ है, माथा खराब जो भी हो, हम लोग बोलेंगे कौन जाते हैं इधर, मामला लोग यहाँ का लड़का लोग ऐसे, लेकिन फॉरेनर को देखो सब एडुकेटेड है। मैं बात भी किया तो जन से, आप लोग इतना इंटरेस्ट क्यों है? You Indians don't understand. हम लोगों को बता रहे हैं, हम लोगों को सच में पता नहीं है क्या है वो, तो सब शिव जी का एकदम भोले बाबा बन के इसे यहाँ पर पूरा राख लगा के मंदिर में जाके पानी डाल, और हम लोगों के बच्चे लोग देखे सब विदेशी बन के घूमता है। अब मुझे भी देख विदेशी बन के घूम रहे, अगर कल तिलक काट कहेंगे बोलेंगे देखो सर पागल लोग, मतलब कल यहाँ पर राख लगा के, ठीक है शिव जी की तरह, सर पागल लोग, ये पूरा पागल हो गया, ढोंगी हो गया। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ सर, कहना ये चाहता हूँ कि जब तक हम लोग अपने चीज को कदर नहीं करेंगे तो हमारा चीज दुनिया के सामने बिकेगा कैसे? इंडिया में पैसा आएगा कहाँ से? एक्सपोर्ट नहीं होगा तो रेवेन्यू जनरेशन कहाँ से करोगे? इसलिए अपना कदर करना चालू करो सर, ये अकाउंट्स भी दिखना चालू हो जाएगा, मतलब ये अकाउंटेंट का वैल्यूएशन और बढ़ जाएगा। ये सर आपको बोलेगा सर दुनिया बाकी लोग करेगा तो हम भी करेंगे, अरे भाई एक एजेंसी चालू होता है,
वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसीलिए ये जो आपने देखा रिसेंटली जो सीए और सीएमए का लोगो चेंज हुआ है उसमें इंडिया का फ्लैग है, पहले नहीं था। क्यों? ये जो देखा आप लोग न्यू सीए का लोगो, लास्ट लास्ट वीक तो बोल सीए का भी हुआ है सीएमए का भी हुआ है, देख लो सर। ये देखो सर, पहले ऐसा वाला था, अभी ऐसा वाला है, ठीक है। इसमें भारत का जो फ्लैग का ये है ना, ये बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि इंडियन वैल्यूज, इंडियन वैल्यू को बताने के लिए ये दिखा रहा है सर। सीएमए का भी हुआ, सीएमए का बना तो था ठीक है, नहीं रहा सीमित लिए। देखो इस तरह में एक आई आई दिया है ना सर, ये देखो इंडियन फ्लैग का, समझ रहे हो? तो क्यों कर रहा है? क्योंकि इंडियन दुनिया भर में छा रहा है सर। कुछ लोग ना थोड़ा सा नेगेटिव थॉट के होते, बोलते हैं नहीं आजकल कुछ डेवलपमेंट कुछ नहीं हो रहा है, मार्केटिंग ज्यादा हो रहा है। मोदी जी को थोड़ा सा ये करने के लिए बताते हैं कि डेवलपमेंट कुछ नहीं है, सिर्फ मार्केटिंग हो रहा है। क्रिटिसाइज करने वाले लोग करेंगे, लेकिन सर बिकने के लिए मार्केटिंग भी तो जरूरी है। आज अगर आपको कुछ लोग जानेगा फिर ना जाके दुनिया आपके पास आएगा, तो मैं मानता हूँ कि ये मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। चलो सर, मार्केटिंग इम्पोर्टेंट हो रहा है तो फिर एक, अब देखो ना अफ्रीकन नेशन इंडियन अकाउंट्स के ऊपर भरोसा कर लिया, मतलब उनको अपने देश में उतना सोचने वाला लोग नहीं है, लेकिन वो भी तो बढ़ना चाहते हैं आगे, तो इंडियन अकाउंटेंट जाके वहां का अकाउंटिंग सिस्टम को डेवलप कर, हमारा सॉफ्टवेयर वो लोग खरीद रहे हैं। ये जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे मानो टैली हो गया, जैसे मानो एसएपी हो गया, जोहो हो गया, ठीक है, ये तो इंडियन सॉफ्टवेयर है, इंडियन सिस्टम में डेवलप है, यही सॉफ्टवेयर हम लोग अफ्रीका को बेच रहे हैं। अफ्रीका हमारे सॉफ्टवेयर के साथ अपने को अडेप्ट कर और उसी सॉफ्टवेयर में अपना बिजनेस बना रहे, प्रॉब्लम होगा तो फिर हम लोग सर्विस देंगे, फिर उसका चार्ज लेंगे, सिंपल है ना। समझा करो, इंपॉर्टेंस को समझा करो। टू अडॉप्ट यूनिफॉर्म सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, टू क्रिएट ए सिंगल रिकॉग्नाइज फ्रेमवर्क ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम, सिंगल रिकॉग्नाइज, ताकि दुनिया भर का एक सिंगल सिस्टम में हम लोग अपने आप को एड ऑन करते हैं। टू मेक इंटरनेशनल कंपनीज अंडरस्टैंड इंडियन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, टू मेक इंटरनेशनल कंपनीज अंडरस्टैंड इंडियन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, समझ रहे? टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज, टू एक्सपैंड द स्कोप ऑफ डूइंग बिजनेस ग्लोबली, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बार बार बताने का कोशिश कर रहा हूँ। टू एक्सपैंड द स्कोप ऑफ डूइंग बिजनेस ग्लोबली, हिसाब किताब अगर मैच कर जाता है ना तो उल्टा साइड में भी जो बैठा है ना वो भी खुश हो जाएगा, हाँ भाई इट्स वेरी सेम टू अस, मतलब जैसे हमारा यहाँ पर है वैसा भी उधर है, तो इसके साथ बिजनेस करने में कोई प्रॉब्लम, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नहीं तो आप अपना एक हिसाब लगाओगे, वो अपना एक हिसाब लगाएगा, जैसे मिसमैच हो जाएगा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, वो बोलेगा नहीं 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 वे आर नॉट ओके। तो इस तरह से न्यू सिस्टम को डेवलप किया गया। इंपॉर्टेंस क्या है इसका? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज़ दे ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग प्रैक्टिस इरेस्पेक्टिव ऑफ द कंपनी और द इंडस्ट्री, दिस मेक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेयरेबल, जो मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि ये जो दो इंडस्ट्री को हम लोग कंपेयर कर पाते हैं ना। चलो इसके लिए मुझे फिर से एक बार मार्केट में जाना पड़ेगा, मार्केट माने स्टॉक मार्केट, जहां पर स्टॉक मार्केट रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाता है। जैसे मानो अगर हम चाहेंगे कि दोनों बैंक को कंपेयर करना, ठीक है, एचडीएफसी बैंक इसके साथ मानो कंपेयर करना है, इसका पीयर 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 कौन है, जोड़ा कौन है इसका, ये देखो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा, ये देखो वैल्यूएशंस, टेक्निकल फोरकास्ट, देख रहे हो? अब बाकी चीज तो दे नहीं रहा है, लेकिन जो दे रहा है उसको तो समझो, वैल्यूएशन को समझो। देखो आपको तो तीन तीन चार चार अलग अलग बिजनेस का डेटा दिया, देखो बता रहा है कि इसका पी रेशियो मतलब प्राइस अर्निंग रेशियो, जिसका जितना हाई होगा उतना ज्यादा अच्छा है सर, ठीक है। इसका 25.72 है, इसका 19.26 है, इसका कोटक महिंद्रा का 23.41 है, इसका 30.61 है, ठीक है।
तो कहीं ना कहीं जिसका पी ज्यादा होता है स्टॉक में उसका इन्वेस्टमेंट करने में ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। अब मैं इसके डिटेल्स में नहीं जाना चाहता क्योंकि वो तो अलग डिस्कशन है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्लास में मैं बात करता हूँ सर। ये जो पी रेशियो को कैसे समझना है, ठीक है, एक तो एफएम में डिस्कस होता है और दूसरा स्टॉक मार्केट रिसर्च एनालिस्ट में डिस्कस होता है, ठीक है। लेकिन आप लोग भी धीरे धीरे समझ जाओगे, लेकिन उसके लिए जो लोग स्टॉक मार्केट नहीं पढ़ेगा वो लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेगा, ठीक है। अकाउंट्स अच्छे से करोगे तो जाके फाइनेंस समझ में आएगा, ठीक है। तो हर एक सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दे के पढ़ो, आप बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ जानोगे। अब ये जितना आप देख रहे हो ना, कंपेयर हो रहा है ना सर अलग अलग में, तो ये कंपैरिजन तभी पॉसिबल हो रहा है बिकॉज देयर इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगर वो स्टैंडर्ड सिस्टम ना होता तो ये कंपैरिजन सिस्टम भी डेवलप नहीं कर पाता, क्योंकि सब एक ही का, मतलब कहना क्या चाहते हैं कि सबका फॉर्मूला सेम है, वही एक सिस्टम को फॉलो करके सभी अपना अकाउंटिंग डेटा दिया। अगर सबका अकाउंटिंग डेटा अलग अलग हिसाब में होता तो फिर ये डेटा का कोई वैल्यूएशन ना होता। कोई बोलता कि उसका अलग है, कोई बोलता कि इसका अलग है, सब अपने अपने हिसाब से डेटा को डेवलप करके लाते, तो फिर आप उस पर भरोसा कैसे करते। तो वो सिर्फ डेटा बन के रह जाता, वो इन्फॉर्मेशन आपका कोई काम का नहीं। तो इसीलिए कॉम्पेरेबल बनाया गया सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है बोल के अकाउंट्स कंपेरेबल, इसी के लिए बात ये कहना चाहता हूँ। मोर ओवर द स्टैंडर्ड्स आर डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड्स ब्रिंगिंग पैरिटी विद द ग्लोबल कंपनीज। दिस मार्केट इट इजियर फॉर कंपनीज टू एक्सपेंड इनटू इंटरनेशनल मार्केट एंड ग्रो देयर बिजनेस। लास्टली यूनिफॉर्म अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैन हेल्प एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड एंड इनकरेक्ट अकाउंट्स। फ्रॉड से बचाएगा और इनकरेक्ट अकाउंटिंग से आपको सुधारेगा। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से पूरा खेल संभालते कौन है, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। बेसिकली इंडिया में जो कंपनीज चलते हैं उनको मैनेज करने का जो सिस्टम है उसे एमसीए कहते हैं। चलो एक बार एमसीए के साइड में आपको आदत डाल देता हूँ, आप लोग बीच बीच में ट्राई करिएगा, समझ में कुछ आए ना आए ट्राई जरूर करिएगा, ठीक है। जहां जाने से मोदी जी दिख जाए अभी समझ जाना सरकारी साइट है, ठीक है। ये देखो सर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ऑब्वियसली अगर आप वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साइड में जाओगे तो आपको ममता दीदी दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ठीक है, सिंपल बात है, ठीक है। क्योंकि वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वहां पर उन्हीं को होना चाहिए। अगर कोई बोलेगा सर स्टेडियम का नाम अपने नाम पे कर दिया, बोल सकते हो भाई। नहीं सीरियसली मैं भी थोड़ा सा बोला कि नरेंद्र मोदी के नाम पे स्टेडियम बनना जरूरी था क्या, खुद ही जिंदा है ना, मरने के बाद कोई करता अच्छा लगता, जो भी हो। लेकिन जो लोग नाम दिया वो लोग बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी के, एक्चुअली उसका नाम नरेंद्र मोदी का नाम इसलिए देना पड़ा, बाकी लोग एक्चुअली जो गुजरात बोर्ड है अहमदाबाद बोर्ड है उसने, उन लोगों ने डिसाइड किया कि क्योंकि वो पूरा स्टेडियम का जो कॉन्सेप्ट है वो जब मोदी चीफ मिनिस्टर था तब से उसको रेडी किया गया, मैंने वो मोदी जी खुद उसको ड्रीम देखा था कि इंडिया में वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम, ये मोदी जी का एक पर्सनल ड्रीम था। इसीलिए गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का मानना है कि हो सकता है देयर आर ऑल और भी रेस्पेक्टेड लोग हैं, बट हम लोग मोदी जी का नाम भी यूज करेंगे क्योंकि ये उन्हीं के ड्रीम पे 15-20 साल बाद जाके बन पाया। और इसलिए जो मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम था वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम था, उससे भी बड़ा बना है। और नॉट जस्ट दैट, कि ये जो गुजरात में जो स्टेडियम बना है जिसमें वर्ल्ड कप फाइनल हुआ सर, वो स्टेडियम इतना दमदार है कि उसमें अगर ओलंपिक भी अरेंज किया जाए तो वो भी हो सकता है, सारा फैसिलिटी है। मैंने इतना इंटरनेशनल मार्केट से प्लेयर आएगा, ठीक है। ये मोदी जी का इसलिए था क्योंकि चाइना आगे बढ़ रहे हैं, चाइना ओलंपिक गेम्स इजीली हैंडल कर सकता है, हम लोग नहीं कर सकते ना। और इंडिया में क्रिकेट स्टेडियम बना के उसको प्रॉफिटेबल करना है तो क्रिकेट तो खिलाना पड़ेगा। तुम अगर बोलोगे जिमनास्टिक के लिए करोगे तो इंडिया में तो जिमनास्टिक का मार्केट है नहीं, तो चाइना में जैसे जिमनास्ट वगैरह के लिए सिर्फ एक स्टेडियम बन जाता है, लेकिन इंडिया में बनाओगे तो पहले क्रिकेट खेलने का जगह बनाओ, साइड में बाकी चीज बनाओ, क्योंकि क्रिकेट बनने का करोगे तो जाके वो चलेगा स्टेडियम, क्योंकि इतना पैसा जो खर्चा हुआ है ऐसे तो अदानी और अंबानी ने मिलकर किया, 800 करोड़ का खर्चा है उस स्टेडियम को बनाने में, आधा अंबानी का है आधा अदानी का है। तो पेविलियन एंड भी उसी नाम पे है, अदानी है, रिलायंस है, नहीं सुना कमेंट्री में?
जब भी हो, मैंने गुजरात डेवलप कर रहे हैं क्योंकि गुजरात का दो हीरा है जो डेवलप करने में उसको हेल्प कर रहा है, और मोदी जी उनका हाथ थामा हुआ है कि करो, मेरा भी नाम होगा, आप लोगों का भी नाम होगा और देश का भी नाम बढ़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ये एक्चुअली इंडिया में सारा बिजनेस मैटर को समझते हैं, जितना रूल्स रेगुलेशंस एवरीथिंग। ये देखो, ये एक्ट्स एंड रूल्स में अगर मैं क्लिक करूँ ना, ये देखो कितना सारा एक्ट, जैसे आप लोग कंपनी लॉ पढ़ते हो वो भी इसी के अंडर पे आता है, आप लोग लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट पढ़ते हो वो भी इसी के अंडर में आता है, आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो ठीक है वो भी इसी के अंडर आता है, आप लोग कंपनी सेक्रेटरीज पढ़ रहे हो वो भी इसी के अंडर आता है, आप लोग सीएमए पढ़ रहे हो वो भी इसी के अंदर आता है, बाकी और भी है, सिर्फ आप लोगों का कोर्स का नाम है इसलिए बताया क्योंकि आप लोग समझ पाओ कि ये पूरा खेल जो है ना देश के बिजनेस को डेवलप करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का है, चाहे सीए का खेलो, सीएमए का खेलो, सीएस का खेलो, इनको पूरा संभालने वाला वही है, इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का नाम बार बार आपको सुनाई देगा क्योंकि यही है 2015 रूल बनाया सर, वेर इंट्रोड्यूस टू अलाइन विद द कन्वर्स फ्रॉम आईएफआरएस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, दिस वाज डन टू इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड हार्मोनाइजेशन। हार्मोनी मैंने समझते हो, हार्मोनाइजेशन मैंने जैसे हारमोनियम में हम लोग गाना गाते हैं ना, वही वाला हारमोनियम होगा, ये हारमोनियम वो हारमोनियम अलग नहीं है, एक ही हारमोनियम। देखो सब अबा गए, उसमें क्या होता है, सारे गामा पाधा नीसा, सानी धापा मागा रेसा, सासा रेगे रेरे गागा मामा पापा दादा नीनी सासा, मुझे थोड़ा सा आता है, सीखा नहीं, वो घर पे बहन को देखता था बचपन में तो सरगम करता था, सारे गामा पादा निशा सानी दबा मगर ऐसा ऐसा ऐसे करके करता था। तो ये जो सारे गामा पादा निशा को हारमोनियम इसलिए बोलते हैं कि वो सात सुर दुनिया के कोई भी देश में चले जाओ, सर चाहे गिटार सीख लो, चाहे सिंथेसाइजर सीख लो, चाहे हारमोनियम से गाना गा लो, ये सारे गामा पादा निशा दुनिया के हर कंट्री में, इट्स यूनिवर्सल, हर जगह में ये सुर का जो सात सुर का मिलन है ना, ये एक्चुअली सुर को मिलाते हैं, तो मिलाते हैं मैंने क्या, मैंने इस तरह से सुर को मिलाएगा तो हारमोनी क्रिएट करता है, तभी तो हम लोग सुकून से सुनते हैं, मन में ऐसा लगता है ना जैसे कोई मिल रहा है, लगता नहीं, चाहे भगवान का गान सुनो या रोमांस का गान, अच्छा लगता है ना, सुकून देता है हारमोनी। सिमिलरली वही बात कर रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हार्मोनी क्रिएट करता है, जिसको देख के एक सुकून मिलेगा, हाँ सब ठीक है। फिर कहाँ का बात को कहाँ से जोड़ते हो, लेकिन समझ में आ गई कि नहीं, एक्चुअली ये हार्मोनी वर्ड वहीं से आया, हार्मोनियम इंग्लिश वर्ड है, उसी से इसको कनेक्ट किया गया, इंडिया में हार्मोनियम कॉन्सेप्ट थोड़ी ना था, मतलब हार्मोनियम वर्ड थोड़ी ना था, उसको कुछ और बोला जाता, कुछ और बोला जाता, लेकिन सारे गामा पादा नहीं से कहाँ का, ठीक है भारत का सुर है दुनिया मानता है। ऐसे आजकल हम लोग गाने का कंपटीशन करते हैं है ना, ये देखो पाड़ा पाड़ा में गाने प्रति कंपटीशन ना कि कौन फास्ट होगा, सर गाना कंपटीशन का चीज है क्या, गाना गा के इंसान को एक अलग ही एहसास होता है, गाने का कंपटीशन नहीं होना चाहिए, हर जो भी गाना गाते हैं उसको बोलना चाहिए परफॉर्म करो सुनेंगे, जो बेहतर परफॉर्म करेगा उसको ज्यादा लोग सुनेगा, सिंपल बात है, उसका कंपटीशन करने का क्या है कि ये फर्स्ट है ये सेकंड है, मतलब तो गाना एक अलग ही लेवल का चीज होता है, वो इंसान को जोड़ के रखता है, हारमोनी है ना सर, इसीलिए। चलो आगे आते हैं, अब बात करते हैं सर एप्लीकेबिलिटी के बारे में, वॉलेंटरी एप्लीकेबिलिटी, ए कंपनी हैज द ऑप्शन टू अडॉप्ट इंड एज इवन इफ इट डज नॉट मीट द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट अंडर द लॉ फॉर फाइनेंशियल ईयर्स बिगिनिंग ऑफ April 1, 2015. However, once a company choose to use Ind AS for reporting financial statement, it must continue to do so for all subsequent financial statement. मैंने ऐसे तो ये स्टार्टिंग में वॉलेंटरी है, लेकिन अगर एक बार चालू हो जाए तो फिर वो छोड़ नहीं पाए। सर अगर Ind AS फॉलो नहीं करेगा तो फिर कौन से फॉलो करेगा? सर उसके लिए नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पुराना जो है वो अभी भी बरकरार है। तो अगर कोई Ind AS के साथ नहीं है तो वो पुराना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो सिस्टम है उसको फॉलो करता है और कर सकता है ठीक है, लेकिन अगर एक बार अकाउंट इन डेज के अंदर आ जाओगे ना, April 1, 2015 के बाद से जब से चालू हुआ है, फिर आप इसको चेंज नहीं कर पाओगे। तो
तो इंडिया में करेंटली इन डेज का फेस के बारे में जान लो, बड़ा इंपॉर्टेंट एक बात है कि एमसीए माने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज मेड इट मैंडेटरी फॉर द कंपनीज टू फॉलो द लिस्ट ऑफ इन डेज इन फेस वाइज मैनर। जैसे क्या बोला, इंपॉर्टेंट बात होगा सर, याद रखने वाला चीज है, इट इज अनलिस्टेड और लिस्टेड कंपनी, माने लिस्टेड माने, लिस्टेड माने कहां लिस्टेड, बोलो बोलो जोर से बोलो, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड, और अनलिस्टेड माने स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं, चाहे प्राइवेट कंपनी भी हो सकता है, गवर्नमेंट कंपनी भी हो सकता है। ऐसे प्राइवेट होगा तो लिस्टेड तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो प्राइवेट है तभी वो लिस्टेड नहीं। ऐसे फ्लिपकार्ट लिस्टेड है क्या अनलिस्टेड, अनलिस्टेड फ्लिपकार्ट प्राइवेट है, अनलिस्टेड भी नहीं बोलना चाहिए, फ्लिपकार्ट इज अ प्राइवेट कंपनी। जैसे मानो सरकारी कंपनी, जैसे मानो न्यू टाउन जिसने बना, उसको बोलते हैं हिटको या हटको, क्या बोलते हैं, हिटको बोलते हैं, दो दो हटको है, एक HIDCO भी है और एक HUDCO भी है, एक हटको सेंट्रल गवर्नमेंट का है और एक हिटको स्टेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का, दोनों ही सरकारी है, लेकिन इसमें से एक शेयर मार्केट में लिस्टेड है, कौन सा, HUDCO शेयर मार्केट में लिस्टेड है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, दोनों का काम ऑलमोस्ट सेम है, जानते हो, ये देखो हटको शेयर प्राइस दिख गया, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो बेसिकली शहर बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, बट हमारे वेस्ट बंगाल में भी एक हटको है, न्यू टाउन में जाओगे तो न्यू टाउन गेट के सामने नहीं दिखा आपको, अरे न्यू टाउन गेट नहीं देखा, और न्यू टाउन का जो गेट है, गेट विश्व बांग्ला गेट, हाँ विश्व बांग्ला गेट के ऊपर, वो तो होटल है ना, वो सब तो कौन बनाया, और उसके सामने ऑफिस नहीं है हिटको का, ये देखो हिटको भवन, देख रहे सर, द वेस्ट बंगाल हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हिटको, वो हटको है ये हिटको है, लेकिन लोग नॉर्मली इसको भी हटको पढ़ सकता है, मैं भी हटको, फिर बाद में पता चला वो नहीं है, हिटको है, हटको तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट, वो वाला पब्लिक सेक्टर में लिस्टेड है, मतलब वो स्टॉक मार्केट में, ये भी पब्लिक सेक्टर है सर, सरकारी होगा तो पब्लिक ही होगा ना, सरकारी तो प्राइवेट नहीं हो सकता, लेकिन ये स्टॉक मार्केट में है क्या, नहीं, समझे, तो सरकारी होने के बाद भी कोई लिस्टेड ना भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि सरकारी होगा तो लिस्टेड होगा, बेसिकली जब कोई स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होगा नॉर्मली हम लोग उसे लिस्टेड बोलते हैं, ठीक है, तो कहते हैं कि सर इट इज अनलिस्टेड और लिस्टेड कंपनी हैविंग अ नेट वर्थ ऑफ मोर देन और इक्वल टू 500, अगर 500 करोड़ के ऊपर का आपका नेट वर्थ होगा तो आपको इन डेज यूज करना पड़ेगा, माने सिंपल बात है, बड़ा कंपनी है तो करना है, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएशन कंपनी, सब कंपनीज फुलफिलिंग द अबव कंडीशन, माने चाहे आप होल्डिंग हो, माने होल्डिंग माने क्या, जब एक बड़ा कंपनी होल्डिंग और सब्सिडियरी को मैं क्या बताता हूँ, कंपनी लॉ में बाप कंपनी और बेटा कंपनी, बाप बेटा, जैसे मानो टाटा ने बिग बास्केट के ऊपर इन्वेस्ट किया और बिग बास्केट में टाटा का 68% स्टेक है, 50% के ऊपर होने से ही होल्डिंग हो जाता है, मैंने टाटा होल्डिंग हो गया, इसीलिए देखना आजकल बिग बास्केट पे लिखा रहता है और टाटा का, आप स्टॉक्स में मोस्ट प्रोबली टाटा का 80% स्टेक है, आप स्टॉक्स है ना ब्रोकिंग फर्म सर, उसमें भी टाटा का इन्वेस्ट, बड़ा इन्वेस्टमेंट, जब कोई बड़ा कंपनी छोटा कंपनी में बड़ा इन्वेस्टमेंट कर देता है तो उसको होल्डिंग बोलते हैं और जो छोटा कंपनी है उसको सब्सिडियरी बोलते हैं, तो चाहे होल्डिंग हो सब्सिडियरी हो जॉइंट वेंचर और एसोसिएट हो, जॉइंट वेंचर जैसे मानो दो कंपनी मिलकर जॉइंटली काम करे, जैसे मानो हीरो होंडा एक समय में जॉइंट वेंचर किया था, मारुति सुजुकी अभी भी जॉइंट वेंचर में है ना, है तो अभी भी तो एसोसिएट कंपनी, मैंने एसोसिएट कंपनीज लाइक का कि नाम एक साथ नहीं आ रहा है लेकिन एक दूसरे के काम पे एसोसिएशन कर रहा है, मैंने एक साथ जुड़ के काम कर रहा है एसोसिएट कंपनी, किसी और के बिजनेस में कम से कम 20% का शेयर होल्डिंग भी रख लेता है, तो अगर कुछ भी कंडीशन हो, अगर 500 करोड़ के ऊपर का आपका टर्नओवर नेट वर्थ जाता है ना, अगर 500 करोड़ के ऊपर नेट वर्थ जाता है ना, तो आपको इन डेज फॉलो करना होगा, जिसका इफेक्ट कब से चालू हुआ है सर, 16-17 के बाद से,
सिक्सटीन सेवेंटीन के समझ में आया सर, फेज टू सेवेंटीन एटीन में आया, जिसपे अगर आपका बिजनेस एटलीस्ट 250 करोड़ का है नेटवर्थ तो आपके ऊपर लागू हो जाएगा, यानी खोना चालू हो गया ऑलरेडी। कंपनीज विच आर लिस्टेड और इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग लिस्टेड, अगर कंपनी लिस्टेड है या फिर लिस्टिंग प्रोसेस में है, इट्स इक्विटी और डेट लिस्टेड इन एनी स्टॉक एक्सचेंज, लाइक कंपनी का शेयर या कंपनी का डिवेंचर किसी ना किसी स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहा है, शेयर भी ट्रेड होता है आप लोगों को पता है, डिवेंचर भी ट्रेड होता है, जानते हो क्या बात करते हो। शेयर मार्केट में शेयर तो ट्रेड होता ही कंपनी का, कंपनी अपना बॉन्ड को भी ट्रेड कराते हैं, जैसे अगर आप एनएसई के बॉन्ड में जाओगे, मैं दिखाया नहीं कभी पहले, दिखाता तो रहता हूँ, मेरा तो आदत है दिखाने का। एनएसई बॉन्ड मार्केट में जाओगे ना तो बॉन्ड मार्केट के बारे में पता लगेगा, यहाँ पर देखो कितना सारा कंपनी है जिसका बॉन्ड भी मार्केट में ट्रेड होता हो, तभी तो एनएसई में लिस्टेड है। ये देखो नेशनल हाई अथॉरिटी ऑफ इंडिया बॉन्ड इशू किया है, जब इशू किया था 1000 का था, अभी 1219 चल रहा है, क्यों ट्रेड होता है बोलते हैं, एक्चुअल दाम 1000 लेकिन अगर मार्केट में लेना है तो 1219 पे लेना पड़ेगा, एक लॉट का मिनिमम प्राइस, एक डिबेंचर का मिनिमम प्राइस, समझ रहे सर। तो शेयर डिबेंचर दोनों ट्रेड होता है, तो अगर क्या बता रहे हैं रूल, क्या बता रहे हैं कि अगर कोई कंपनी का शेयर या डिबेंचर मार्केट में ट्रेड होता है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो उसके लिए भी ये इंडेक्स लागू हो जाएगा। सिमिलरली वही होल्डिंग सब्सिडियरी जॉइंट वेंचर एक ही बात है। फेज थ्री 18-19 में आया, ये मेनली आया सर बैंकिंग कंपनी के लिए, इंश्योरेंस कंपनी के लिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन माने जो बैंक नहीं है पर बैंक की तरह ही फाइनेंशियल काम करते हैं उनके लिए, जिसका नेटवर्थ इक्वल टू और मोर देन 500 करोड़ है, ऐसा एनबीएफसी या ऐसा बैंक या ऐसा इंश्योरेंस कंपनी, उनके लिए इंडेक्स मैंडेटरी होगी। ठीक है, इसी तरह से फेज्ड मैनर में धीरे 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 की फेज फोर आया 1920 में, लिस्टेड एनबीएफसी, लिस्टेड मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्टेड एनबीएफसी, जैसे बजाज फाइनेंस, समझ रहे हो सर, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड ऐसा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, उनके ऊपर भी लागू हुआ जो कि अपना स्टॉक या इक्विटी या डेब्ट स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करके रखा है और उनका भी नेटवर्थ 500 करोड़ से अगर ज्यादा है तो उन्हें भी करना पड़ेगा। अच्छा, अगर कोई अनलिस्टेड एनबीएफसी है जिसका नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा है तो उन्हें भी इंडेक्स फॉलो करें। सिमिलरली वही बात होल्डिंग सब्सिडियरी एंड जॉइंट वेंचर एक ही तरह से। अच्छा, नेटवर्थ का कैलकुलेशन कैसे हुआ इसका थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, ऐसे तो ये बेसिक्स में इतना जरूरी नहीं है पर क्योंकि सारा बात सिर्फ थ्योरेटिकल होगा थोड़ा कैलकुलेशन में मजा आ जाए थोड़ा देख लो सर। नेटवर्थ शुड बी कैलकुलेटेड एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 257 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में बोला है। It states that a net worth is found based on the standalone financial statement. कंपनी का जो standalone statement है, समझ गए ना standalone क्या होता है? सिर्फ कंपनी का statement को standalone बोलते हैं। और subsidiary का मिला के होगा तो consolidated होगा। That should be audited. उसका audited है, मतलब auditor का check किया हुआ balance sheet जो होगा financial statement, मतलब PL balance sheet cash flow मिला के होता है financial statement. तो audited वाला लेना, unaudited वाला नहीं। ऑडिटर का साइन गिरेगा तो उसको हम ऑथेंटिक माने। नेटवर्थ शुड बी कैलकुलेटेड एट द सम टोटल ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड ऑल रिजर्व, रिजर्व माने प्रॉफिट का जो पार्ट रिजर्व में हटा जाता है आउट ऑफ प्रॉफिट एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम माने कंपनी का शेयर का जो फेस वैल्यू होता है ना सर, उससे जो भी एक्स्ट्रा पैसा आप रिसीव करोगे वो कंपनी का प्रीमियम वैल्यू होता है। जैसे आप लोग अगर जो लोग 11-12 में अकाउंट्स पढ़ के आए उनको पता होगा कंपनी अकाउंट्स में, जो नहीं पढ़ा वो बाद में पढ़ेगा सर, नोट करिए। कंपनी अकाउंट्स में अभी भी करते हो तो आप लोग फाउंडेशन लेवल पे भी तो है, 10% का शेयर अगर 12 में इशू कर दिया तो 2% क्या है प्रीमियम है, तो वही 2% प्रीमियम उसको भी आप यहाँ पर काउंट कर सकते हो। तो क्या बताते हैं, नेट वर्थ शुड बी कैलकुलेटेड एज द सम टोटल ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑल रिजर्व मेड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, फिर वहां से आपको माइनस करना होगा वैल्यू ऑफ डिफर्ड एक्सपेंडिचर, डिफर्ड माने जो अभी नहीं है बाद में होगा, एक्यूमुलेटेड लॉस एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर that are not write off. Mathematically, we can see, say this, this is the formula. Net worth equal to total paid up share capital plus all reserve made out of profit and including security premium account, deferred expenditure minus kare,
मिसलेनियस एक्सपेंडिचर माइनस करे शुड नॉट बी रिटर्न ऑफ, मतलब खर्चा को राइट ऑफ नहीं करना चाहिए, मतलब पीएल में पीएल से हटाना नहीं चाहिए जो ऑलरेडी है, माइनस एक्युमुलेटेड लॉसेस। ये एक्चुअली कंपनी अकाउंट्स का मैटर है, इंटरमीडिएट फाइनल लेवल पे इसका डिटेल्स और भी कैलकुलेशन एक्चुअली करोगे तो और पता लगेगा कि ये कहां से आया। इवन इधर बस इतना से मैं बोला कि नेट वर्थ का फॉर्मूला क्या है। सो ऑनली इंक्लूड कैपिटल रिजर्व अराइजिंग आउट ऑफ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन एंड गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड रिजर्व क्रिएटेड आउट। इतना सा बात है सर। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, नेट वर्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बेनिफिट मैंने आपको बता दिया, फिर भी अगर आप शॉर्टकट में देखोगे तो क्या है सर, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मेथड है, पूरे देश भर में दुनिया भर में यूज होता है। मिक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल, भरोसे लायक होते हैं, मिनिमाइज अकाउंटिंग फ्रॉड एंड रिस्क, ठीक है। फिर अलाउ करता है कंपेयर करना, अलग अलग स्टेटमेंट को कंपेयर कर सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी एस्टेब्लिश करते हैं एंड ऑडिटिंग में भी काफी हेल्प करते हैं। बस इसी चीज को आगे एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा दिया है जो ऑलरेडी आपको मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। अच्छा, इसका कुछ लिमिटेशन भी बोला है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का लिमिटेशन क्या है। सर, लिमिटेशन एज सच का कुछ डायरेक्टली नहीं बोला जा सकता, पर हर चीज का एक एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है, हर अच्छा का एक बुरा साइड भी होता है ना सर। ये कुछ पाओगे तो कुछ तो खोगे, होता तो है कि नहीं। तो देयर आर कपल ऑफ लिमिटेशन, जैसे कि लीगल रिस्ट्रिक्शंस। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश अकाउंटिंग रूल्स, दे आर लिमिटेड बाय लीगल रूल्स एंड प्रैक्टिस प्रिवेलेंट इन इंडिया। द स्टैंडर्ड मस्ट कंप्लाई विद लॉ एंड एक्ट्स गवर्निंग, माने आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने के टाइम पे ये चीज देखना पड़ता है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में मैं इंक्लूड करने जा रहा हूँ इसको गवर्नमेंट के लिए, वो देश का कोई नियम को ना तोड़े। मैंने स्टैंडर्ड फॉलो करने के नाम पे अगर देश का कोई कानून को ही तोड़ दे तो फिर ये तो ओवरराइड हो जाएगा ना सर। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का थोड़ा सा चिंताजनक बात होता है कि कभी कभी ऐसा नियम बना दिया जाता है, फिर बाद में पता चलता है कि देश के कोई एक एक्ट है जिस एक्ट में इस चीज को मना किया गया है। तो फिर या तो एक्ट को चेंज करो, फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को चेंज करो, क्योंकि आप स्टैंडर्ड्स को तो बाद में ला रहे हो, एक्ट तो पहले से है। तो या तो एक्ट को चेंज करके फिर जाके स्टैंडर्ड्स को बदलो। सर, देश में बहुत सारा चीज चेंज करने का जरूरत है। सोचने वाले लोग तो है, पर चेंज करने के लिए जो कंट्री के अंदर जिस तरह का माहौल चाहिए वो धीरे धीरे बन रहा है। मैंने एक्चुअली रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के साथ मोदी जी का एक मीटिंग हुआ 2016 के आसपास। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी बड़े बड़े जजेस हैं, हेड ऑफ दी चीफ जस्टिस, सब मिलके एक क्लोज डोर मीटिंग हुई, और बाद में इतना खबर मिला था कि क्लोज डोर मीटिंग में जज ने बोला था और मोदी जी ने सुना था और मोदी जी से रोया था। ये दुनिया को दिखाने लायक चीज था नहीं, क्योंकि एक बहुत ही पर्सनल लेवल का मीटिंग था। क्यों रोया था जानते हो? कि इंडिया में रूल्स रेगुलेशंस जो भी है ना, स्पेशली ये तो फिर भी बिजनेस लॉ है, काफी स्टैंडर्ड है इसमें, मतलब काफी अपडेटेड है। जो नॉर्मल सिविल लॉ है ना, देश को चलाने का जो नियम कानून है ना, उसमें इतना सिस्टम अभी भी डब्बा हालत में पड़ा हुआ है जो कंट्री के लोगों को उसका हक नहीं दे सकता। अभी भी ब्रिटिश जमाने का नियम लेके पड़ा हुआ है, उस नियम में अभी भी बदलाव नहीं आया है, सिस्टम अभी भी स्लो है। कोई केस करता है ना, उस केस का कोई सलूशन ही नहीं आता। किसी को कुछ भी, देखो ना, हमारे देश में किसी को न्याय मांगता है, संविधान क्या बोलता है, जस्टिस। लेकिन जस्टिस के लिए तुमको कोर्ट जाना पड़ेगा। अगर कोई किसी के साथ कोई धोखा होता है, चाहे फाइनेंशियल हो या फिर किसी भी पर्सनल लेवल में, कितना लोग जाके कोर्ट में केस करते हैं साहस के साथ, और कितना लोग ही जाके कोर्ट के साहस, तो चलो सिर्फ साहस आ जाता है लोगों के अंदर, जब इंसान बर्बाद हो जाते हैं ना तब, और कोई सांस का जरूरत है तो सांस ऐसे ही होते हैं, है ना। अरे और क्या जाएगा, और क्या जाएगा, जब ऐसा एटीट्यूड आ जाएगा ना तो कोई तुमको चुप नहीं करा जाएगा, जान दे दोगे पर छोड़ोगे नहीं। लेकिन दुख ये होता है, केस तो करेंगे लेकिन केस में कितना दिन केस चलेगा, केस करने के लिए कितना पैसा लगेगा, लॉयर एक बार फीस लेके दो बार फीस लेके भी नहीं कर पाए, आते जाओ आते जाओ आते जाओ आते जाओ, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ये जो प्रॉब्लम है ना सर, लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं था, इसके चक्कर में लोग कोर्ट में जाना ही छोड़ देता है। छोड़ दो यार, जो हो किस्मत मान के छोड़ दो, ये लोगों का हालत है। अरे कोई प्रॉपर ऐसा सिस्टम दिखता है कि आसपास में कि कोई प्रॉब्लम हुआ है, मैं इस बात को जाके यहाँ पर बोलूंगा और फिर इस मैटर को जाके एज पर लीगल स्टेप्स लेके कोई सॉल्व करेगा।
जिस दिन कंट्री उस लेवल का हो जाएगा ना, उस दिन समझना देश बन गया था। अभी तो बस एक चल रहा है, गाड़ी में दो चार चक्का लगा के गाड़ी चल रहा है, तेल डाल के चल रहा है, देश नहीं बना। देश को बनाना है तो देश के हर लोगों को उस लेवल का इंडिपेंडेंस होना चाहिए ना, कि भाई मैं, मेरा है, मेरा देश है, मेरा देश मेरे को देख ले, मेरा हर प्रॉब्लम का सलूशन है मेरे देश में। जिस दिन ये वाला फीलिंग हर इंडियन के पास आएगा ना, उस दिन हर इंडियन बोलेगा कि हाँ ये देश मेरा है। अभी भी इंडिया में कुछ लोग ऐसे हैं, मैं कुछ स्टूडेंट से भी कभी बात किया, होता कि इंडिया ने हमारे लिए किया क्या। हाँ करता है, कभी कभी सोचता हूँ करना नहीं चाहिए, कभी कभी सोचता हूँ करना भी चाहिए। इसलिए सोचता हूँ क्योंकि देश में नियम है, तो नियम को ठीक करने से लोगों का भरोसा बढ़ेगा। कभी कभी ये भी सोचता हूँ कि भाई एज ए स्टूडेंट ऑफ दिस कंट्री, एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, इस देश को प्यार करना चाहिए। इसका अच्छा बुरा भला आपका ही है, तो आप देश के लिए क्या किए हो इससे बड़ा सवाल है कि तो देश आपके लिए क्या किया, इससे बड़ा सवाल है आपने देश के लिए क्या किया। लेकिन सर ये सब बात करने में अच्छा लगता है, रियलिटी जीना तो अलग ही चीज होता है, तो ये सब मैटर आ जाता है। फिर भी कंपनीज एक्ट लेवल में, इसमें भी रिसेंट चेंजेस आए, 1956 का लॉ अभी भी तो चल रहा था, हम लोग जब पढ़े थे तो 1956 था, तब तो कंपनी लेवल में भी, बिजनेस लेवल में भी ऐसा हालत था सर, कोई केस क्या करेगा पता नहीं, कोई किसी को डर ही नहीं था लॉ का, किसी चीज में 500 टका फाइन, किसी चीज में 1000 टका फाइन। अब 1000 का फाइन का डर किसको लगता है आजकल, इसलिए देखते हो ना 1 लाख, 5 लाख, 50 हजार, डेली का 1000 टका, ऐसा ऐसा फाइन कर दिया। तो अच्छा हो तो बिजनेस लेवल पे फिर भी अच्छा हो, लेकिन बाकी लॉ का हालत बहुत चिंताजनक है। तभी तो मोदी जी रोए, तो इंडियन लीगल सिस्टम बहुत डेंजर जोन में है, इसको अगर इमीडिएट इंपैक्ट के साथ कुछ ना किया जाए ना, तो बड़ा बड़ा स्टेडियम बनेगा, रास्ता बनेगा, पर देश उस हिसाब से नहीं बन पाएगा। जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल्टरनेटिव्स हो गया सर, ऑलमोस्ट सब लोग क्लोजिंग पॉइंट में हैं, मैं समझ सकता हूँ आप लोग काफी टाइम से पढ़ रहे हो, थोड़ा सा आज आप लोग जैसे मतलब क्या बोलते हैं इसको, इंपेशेंट हो गया। डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलाउ ऑल्टरनेटिव मोड्स ऑफ अकाउंटिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ पर्टिकुलर फाइनेंशियल एंट्री, फॉर इंस्टेंस इन दी वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कंपनीज कैन यूज द फीफो, लिफो एंड अदर मेथड्स ऑफ वैल्यू स्टॉक्स, दस ब्रिंग इन एलिमेंट ऑफ डिफरेंस व्हेन चेकिंग द स्टॉक्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज फॉलोइंग डिफरेंट प्रैक्टिसेस। ठीक है, रेस्ट्रिक्ट कंपनीज, कंपनी को भी कुछ रेस्ट्रिक्शन देते हैं, कंपनीज माइट फेस यूनिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन द कोर्स ऑफ देयर बिजनेस, मोर ओवर अ फ्यू कंपनीज मे हैव यूनिक अकाउंटिंग नीड्स, जिसका नीड फुलफिल, जैसे मानो आपको मैं बता दें माइनिंग बिजनेस का है ना, लीज बिजनेस का, तो अगर कोई यूनिक नीड हो तो उसका भी तो सलूशन होना चाहिए ना, कि इसको कैसे करें समझ में नहीं, तो स्टैंडर्ड बिल्ड करके उसको सॉल्व किया जाएगा। माने इट्स लाइक जैसे सॉफ्टवेयर में, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बहुत सारे सोल्यूशन चाहिए होता है ना, कि भाई इसको कैसे सॉल्व करें अकाउंटिंग, जैसे टैली में बहुत सारे कंपनी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, तो लोग कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाते। आप लोग जब आगे जाके काम करोगे ना, ऑडिट वगैरह करोगे, आपको लगेगा कि भाई कंपनी में अकाउंट्स कंट्रोल करना है, टैली ऐसे भी होगा, बट आप जाके देखोगे हर कंपनी का अपना ही एक अकाउंटिंग सिस्टम, वो कस्टमाइज करके बना के करता है, क्योंकि टैली वो कस्टमाइजेशन इतना देता नहीं है। मैं सुन रहा था कि आजकल टैली दे रहा है, जो एक अलग ही क्लाउड सिस्टम लेके आए, जरूरत नहीं है, बोल रहा है जो वो कट ले रहे, ऐसे भी थोड़ा सा महंगा है, हर कोई यूज नहीं कर पाता, तो कंपनी बोलते हैं कि कस्टमाइजेबल सॉफ्टवेयर बना कर, मेरे को बस इतना इतना एंट्री चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जितना काम करता हूँ मेरे को उतना पेज दो ना, ज्यादा डेट चीज दोगे तो मैं क्या करूंगा उसका, बेकार में जगह भरेगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज लाइक दैट, जरूरत के हिसाब से अकाउंट्स को बिल्ड करेगा, जिसका जितना जरूरत है उतना। इसलिए रेस्ट्रिक्ट कंपनीज, वो भी अपने हिसाब से उसको डिसीजन, समझ गए सर। इवन इंडिया में अगर कोई फॉरेन कंपनी है तो एक हद तक उनको भी फॉलो करना पड़ता है, लेकिन हाँ अगर वो कोई विदेश का मेन उसका बिजनेस है, तो फिर विदेश में अब जो उसका स्टैंडर्ड है उसको फॉलो कर सकते। एक छोटा सा बात आपको मैं दिखा देता हूँ, मैं आपको मेनली इंड एज के ऊपर बात की क्लास, मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे बात किया, पर इंड एज का लिस्ट आपको सुना, बट आपको मैं ये लिस्ट भी दे दूंगा, आप लोग जिनके पास नोट्स नहीं है, जिनके पास है ठीक है, ये देखो सर लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। जैसे AS1 अकाउंटिंग पॉलिसी को डिस्क्लोज करता है, AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी को डिस्क्लोज करता है, AS3
ये जो मैं अभी आपको कुछ देर पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट चेक करा रहा था टाटा मोटर्स का, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एस थ्री के थ्रू से होता है। एस फाइव नेट प्रॉफिट ऑफ लॉस फॉर द पीरियड प्रायर एंडिंग आइटम्स ऑफ चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। एस सिक्स डेप्रिसिएशन ऑफ अकाउंटिंग है, जो आप लोग डेप्रिसिएशन करते हो वो एस सिक्स में बोला है। रिसेंटली उसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 2016 में एस टेन के अंदर रखा गया। एस सेवन रिवाइज हो गया अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का। एस एट अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एस नाइन रेवेन्यू रिकॉग्निशन। एस टेन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। एस इलेवन इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरन एक्सचेंज रेट्स। ये जो विदेश में चीज लाएंगे तो उसका रेट अलग हो जाएगा ना, 82 रुपीज डॉलर अगर चल रहा है तो उसके हिसाब से, ठीक है। तो उसका जो अकाउंटिंग सिस्टम वो एस इलेवन में बोला है। इस तरह से एस का भी पूरा लिस्ट रट्टा लगा लास्ट, इसका कोई उपाय नहीं है। इसको थोड़ा सा लिख लिख के रट लो कि किसके लिए कौन सा एज है और किसके लिए कौन सा एंड एज, ठीक है सर। बात समझ में आ गया? ये भी रट्टा लगाने का ही टाइम है, मतलब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी थोड़ा रटना पड़ेगा। क्योंकि इसको मैं क्या समझाऊं, अब आगे जाके तुम एक एक स्टैंडर्ड्स के अंदर जाके उसको सीखो, ठीक है। तो ये था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ए टू जेड डिस्कशन। ऐसा करता हूँ, क्लियर है सर? अब अच्छे से पढ़ लो। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। ओके मानसी, तनु, क्लियर है? साहिल, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बाय सर, टाटा, बाय सर, बाय सर।